ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सभी सम्मानित कार्यकर्ता मित्रों, मंच पर आसीन आज की सभा के प्रमुख अतिथि माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, मेरे भारत स्वाभिमान अभियान में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके यहाँ के जो आईजी महोदय हैं उज्जैन जोन के श्री पवन जैन जी, जिनकी कविताएं हमने बार बार सुनी हैं, हरिद्वार में आस्था चैनल पर भी आई हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित डीआईजी श्री आदर्श कटियार जी, माननीय विधायक श्री पारसमल जी, माननीय विधायक श्री मनोहर भाई, एसपी रतलाम श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से मैं आपके बीच में आ सका, एसपी नीमच श्री राधेश्याम जी और एसपी मंदसौर श्री डीपी गुप्ता जी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से माननीय श्री वेद प्रकाश जी शर्मा का, जो पुलिस अधीक्षक हैं रतलाम के, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पांजलि का, जो हमारे भारत स्वाभिमान की मध्य प्रदेश की राज्य प्रभारी हैं, उनके बार बार अनुरोध के कारण मैं यहाँ पर आ सका और मुझे आप सबसे संवाद करने का मौका मिला। मुझे बहुत आनंद है, खुशी है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का कुछ संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कुछ बातें उनके द्वारा जो मुझे कही गई हैं, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी को जब बताया कि मैं रतलाम जा रहा हूं, क्या कहूं, तो उन्होंने कहा कि दो तीन बातें जरूर कहना मेरी तरफ से। तो जो बातें उन्होंने मुझे कही वो मैं पहले कहूंगा, बाद में कुछ मेरी बात करूंगा। सबसे पहले परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने जो आपके लिए कहा है वो ये कि ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति अपना काम अच्छे तरीके से करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता सदस्य एकदम स्वस्थ हों, निरोगी हों, उनका जीवन रोग मुक्त हो, उनका जीवन प्राण युक्त हो, चिकित्सा मुक्त हो, ये बहुत आवश्यक है। अगर नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी सदस्यों को बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है हाई या लो, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, किसी को बुखार बार बार आता रहता है, अगर ऐसी बीमारियों में आप घिरे हुए हैं तो आप जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो नगर की क्या करेंगे, गाँव की क्या करेंगे। तो परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कहा कि सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से ये कहना कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता स्वस्थ हों, निरोगी हों, संपूर्ण रूप से तन और मन से किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, ये उनका पहला संदेश है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए रोज नियमित सवेरे 5 बजे उठकर थोड़ी देर प्राणायाम कर लें, थोड़े योग आसन कर लें। प्राणायाम और योग आसन आपको निशुल्क रूप में सिखाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रतलाम, नीमच और मंदसौर तीनों ही स्थानों पर भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं, पतंजलि योग पीठ के योग शिक्षक हैं, वो आपके बीच में आकर योग की कक्षाएं ले सकते हैं और आप सबको ये सब बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। हमारे माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी योग में बड़े अच्छे पंडित हैं, प्राणायाम बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद करते हैं, सिखाते रहते हैं, पुलिस वालों को बताते रहते हैं, वो भी आपको ये सब बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप में सीखने की ललक थोड़ी पैदा हो जाए तो सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में लगभग 11 लाख योग शिक्षक हैं जो प्रतिदिन निशुल्क रूप से योग कक्षाएं लेते हैं
और आपके जैसे करोड़ों लोगों को योग और प्राणायाम सिखाते हैं, तो आप ये थोड़ा सीख लीजिए। बहुत आसान है, सांस को कैसे भरना है, सांस को कैसे निकालना है, छोटा छोटा प्रयासों से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, प्रणव, ये 5-7 प्राणायाम आप नियमित करते रहें, निश्चित रूप से आप निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों भारतवासी ये प्राणायाम करके निरोगी हो चुके हैं। जिनको ब्लड प्रेशर रहता था 20-20 साल से, जिनको डायबिटीज थी 20-20 साल से, जिनके हृदय में तीन तीन ब्लॉकेज थे, डॉक्टरों ने जिनका कह दिया था कि बचने की दूर दूर तक संभावना नहीं, जो कैंसर के मरीज थे, अर्थराइटिस में जो बिस्तर पर हमेशा पड़े रहते थे, उठ नहीं सकते थे, ऐसी गंभीर बीमारियों के बहुत सारे लोग इस देश में निरोगी हो चुके हैं, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम करके। तो परम पूजनीय स्वामी जी का पहला आपके लिए संदेश है कि आप नियमित रूप से थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, स्वस्थ बने, और आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ परिवार सुखी परिवार होता है, और जो आदमी सुखी होता है वो दूसरों को सुख दे सकता है, दुखी आदमी कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता। तो आप सब ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य सुखी बने, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब सुखी बने, ये तभी संभव है जब निरोगी होंगे, और निरोगी होने के लिए बहुत आसान तरीका है, सुबह थोड़ा आधा घंटे, 45 मिनट अगर हो सके तो 1 घंटे का प्राणायाम और योग। अगर आपके घरों में टेलीविजन की व्यवस्था है और केबल कनेक्शन अगर आपके पास है, तो आस्था चैनल पर परम पूजनीय स्वामी जी खुद सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक हर दिन बिना किसी रुकावट के ये योग और प्राणायाम सिखाते हैं। वो आप आस्था चैनल खोलकर कभी भी बैठ के देख सकते हैं, चैनल पर देखकर, टीवी पर देखकर सुन सकते हैं, और हमारे योग शिक्षकों से सीख सकते हैं। दूसरा संदेश परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दिया है आप सभी के लिए, वो ये कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों, उनके जीवन में कोई व्यसन ना हो, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गुटखा ना खाएं, शराब ना पिए, अफीम का कश न लगाएं, मारीजुआना का कश न लगाएं, किसी भी तरह का कोई व्यसन ना करें। स्वामी जी ने ये दूसरा संदेश दिया है। उनका ये कहना है कि अगर आप व्यसन में फंसेंगे तो आप समाज में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, और अगर आप समाज में आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, और अगर समाज का व्यक्ति आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो आपकी बातों का वजन नहीं होगा, और आप जो करना चाहते हैं वो काम नहीं होगा आपसे। इसलिए आपसे स्वामी जी ने कहा है कि आप पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों, शराब ना पिए, गुटखा ना खाएं, बीड़ी सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, किसी तरह की कोई जहरीली दवाओं का कष ना लेना शुरू करें, और अगर ले रहे हैं या ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस व्यसन से आप मुक्त हो जाएं, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप ये कहेंगे कि हम तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो व्यसन नहीं करते, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में सब तरह के व्यसन छोड़ दिए हैं, लेकिन जो छोड़ नहीं पाए हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से उनके मन को इतनी शक्ति मिले कि वो इस व्यसन को छोड़ सके। मैं एक छोटी सी दवा आपको जरूर बता सकता हूं। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है, बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें, बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें, हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो,
इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के। इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं। हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छुड़वाने में, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत, तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर से बता देता हूं, अदरक ले लो, छोटे टुकड़े कर लो, नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें काला नमक मिला लो, धूप में सुखा लो। सुखाने के बाद वो तैयार हो गया। तैयार होके इसको जेब में रखो, पुड़िया बना के रखो, डिब्बी में रखो, जैसे भी है जेब में रखो। जब दिल में तलब उठे, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीभ पे रखो, चूसना शुरू कर दो। जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा, आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा। आपको फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी। सवेरे से शाम तक चूसते रहो, और जो 2 4 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार कर लिया, तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है? ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है, और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है, तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है, तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है। तो आप इसका उपयोग कर लो। और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं। अदरक के रूप में सल्फर हमारे
प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको, एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है, वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो। 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है, और उस दवा का एक बूंद जीभ पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, फिर अगले दिन और एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस 3 बार अगर आपने एक एक बूंद डाल ली, तो 50 से 60% लोगों की दारू, बीड़ी, सिगरेट तो 3 खुराक में ही छूट जाती। और जो ज्यादा पियक्कड़ हैं, हाँ ऐसे भी है ना, जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं, उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते एक बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया, हफ्ते में एक एक बार लेते जाएं तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते थे, उनकी भी दारू छूट गई है। बस इतना ही है कि 2-3 महीने का समय लगा है। तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है, बाजार में मिलती है, होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूं, कितनी पोटेंसी की दवा दूं। तो जब आप लेना इस सल्फर को, तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो, 200 पोटेंसी की दे दो। सल्फर 200, यही उसका पूरा नाम है, 200 संख्या है, सल्फर दवा का नाम। तो ये सामान्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है। और जो ज्यादा पीने वाले हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दारू है, तो उनके लिए यही सल्फर की 1000 ताकत की दवा ले लेना, 1000 पोटेंसी की। तो सल्फर 200 और सल्फर 1000। और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से एक बोतल खरीद लो, इसकी बहुत सस्ती आती है, ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपए में 5 मिलीलीटर है, और बड़ी बोतल खरीद लो 250 मिलीलीटर की या 450 मिलीलीटर की, वो 150-200 रुपए की आती है। और एक बोतल सल्फर दवा में 10,000 लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है, मात्र एक बोतल में। और वो बोतल कितने की है, 225-250 रुपए की, और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है। और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो, तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना, जो पीने वाला पानी है, और वो पानी जो शराबी लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनको पिला देना, ये पानी में और अच्छे से काम करती। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें एक बूंद डाल दिया, अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया, उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को, तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने आपको, अदरक उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए, और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो, तो बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया, तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा और आखिरी संदेश जो स्वामी जी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये बात आप सबको मैं जरूर कहूं, स्वामी जी ने कहा कि आप अपने जीवन में हिंदू हैं या मुसलमान, सिख हैं या ईसाई, जैन हैं या बौद्ध,
ये सब अपने घर तक सीमित रखो। हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ये सब हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखो, अपने घर तक सीमित रखो। जब आप ग्राम रक्षा समिति का काम करने के लिए निकलो तो आप सब भारतवासी हो और भारतीय हो, सिर्फ इतना ही याद रखो। काम करने के लिए हम जब घर के बाहर निकल गए तो हम सब भारतीय हैं। घरों के अंदर जब तक हम हैं तो पूजा पद्धतियां हमारी सबकी अलग अलग हैं। कोई हिंदू तरीके से पूजा करेगा, कोई मुस्लिम तरीके से करेगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्ध होगा। तो घरों के अंदर हम हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पालने वाले व्यक्तिगत लोग हैं। घर के बाहर निकलते ही हमें भूल जाना है कि हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। हमें एक ही बात याद रखनी है कि हम सब भारतीय हैं, भारत माता के सुपुत्र हैं, भारत माता की सुपुत्रियां हैं, भारत माता हम सबकी माता है, हम आपस में भाई बहन हैं। तो मिलकर अपने भारत माता की रक्षा करनी है, मिलकर अपने भारत माता की सुरक्षा करनी है। भारत माता पूरा देश, उस पूरे देश में आपका एक राज्य, आपके एक राज्य में आपके छोटे छोटे कुछ जिले, जिलों में आपके छोटे छोटे गांव और गांव में छोटे छोटे मोहल्ले, ये हर छोटी इकाई भारत माता की ही इकाई है। आपके गांव का मोहल्ला हो या शहर का मोहल्ला हो, ये एक छोटी इकाई है भारत माता की। तो इन सब छोटी छोटी इकाइयों की रक्षा हमें करनी है, इसी के लिए ये ग्राम सुरक्षा समिति या नगर सुरक्षा समितियों का गठन हुआ है। ये संकल्प हमें लेके काम करना है कि हम भारतवासी हैं, अपनी भारत माता की भूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा हमें करना है, अपराधियों से, उन सब लोगों से जो देश को तोड़ने के काम में लगे हैं, विघटन करना चाहते हैं इस देश का, इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तरीके उनके कुछ भी हों, हमें उनके तरीकों को नाकामयाब बनाना है, असफल बनाना है और अपने संकल्पों को सफल बनाना है और सार्थक बनाना है। स्वामी जी के ये तीन संदेश हैं आपके लिए। पहला संदेश कि आप सब निरोगी हों, रोग मुक्त हों, चिकित्सा पर आपको कोई पैसा खर्च ना करना पड़े, ज्यादा दवाएं आपको ना खानी पड़े, उसके लिए योग प्राणायाम करें। दूसरा संदेश स्वामी जी का, आप व्यसन मुक्त हों, किसी भी तरह के व्यसन में ना फंसें। और तीसरा और आखिरी संदेश स्वामी जी का कि हम सब सार्वजनिक जीवन में भारतीय बने, व्यक्तिगत जीवन में हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, भारतीय होकर इस देश के लिए काम करें। ये तीन संदेश स्वामी जी ने कहा था कि जरूर मैं दूं आपको जब रतलाम जाऊं, तो ये मैंने स्वामी जी के संदेश आपको दिए। अब स्वामी जी के संदेश को बढ़ाते हुए एक बात मैं और कहना चाहता हूं मेरी तरफ से कि आप अगर निरोगी और रोग मुक्त होना चाहते हैं और उसके लिए योग प्राणायाम एक साधन आपके पास है, एक दूसरी छोटी सी बात और कहना चाहता हूं आपको उसको जोड़ते हुए कि हमारे योग और प्राणायाम की जो शिक्षा हम लेते हैं ना, वो अष्टांग योग के सूत्र वाली है। पतंजलि योग दर्शन में ये दर्शन की बात है, सिद्धांत जो है वो अष्टांग योग के हैं, माने आठ अंग हैं उसके योग के। और इन आठ अंगों में जो सबसे पहले दो अंग हैं वो यम और नियम हैं। तो यम नियम का पालन हम करते हुए योग आसन प्राणायाम आदि करते हैं तब इसका पूरा लाभ होता है। तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ चार नियम बताना चाहता हूं और ये चार नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूं कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा, जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं। आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करता हूं मेरे जीवन। मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूं, उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं, वो नियम का पालन करता हूं
और वही नियम आपको बताना चाहता हूं। स्वामी जी पालन करते हैं, मैं करता हूं, हमारे लाखों योग शिक्षक करते हैं, और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखे। अपना वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन रखे। वो 3 तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ। आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं, और वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर और कैंसर तक, जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब वात, पित्त, कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि। ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट्ट। बाघभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7,000 नियम बताए हैं। उनमें से 4 बताता हूं, अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये 4 नियम हैं वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात, पित्त, कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें, तो उसके लिए पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि बाघभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं ना, तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर, संस्कृत में, हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है। आपके पेट में नाभि है ना, उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ छोटा सा स्थान है। सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है, जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोल देते हैं जठर अग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो, पेट में, जठर में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया
चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है, इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी, पचाएगी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, क्या होने वाला है? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गटगट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं, तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वो लक्षण है जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि बागवत ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? कम से कम 1 घंटे तक, 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी 1 घंटा क्यों? ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते हो। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पियेंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए बागभट्ट जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है, दूध पी सकते। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध। पानी 1 घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता, तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा। दूसरा नियम एक और है, और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक सिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो।
ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। एक घूंट पानी, दो घूंट पानी एक बार में उतना ही पियो। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है। बात ऐसी है कि एक एक घूंट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो एक घूंट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, दो घूंट पिया और ज्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षारीय होती है, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, परीक्षण। आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते हैं। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो, वो चोंच के एक बूंद के बराबर ही पानी उठाता है। एक बार में एक बूंद पानी लेगा, फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद। एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है। कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है। वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर्ख गटागट गटागट पानी पीते रहते। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सड़क पर रख देते। जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से, और फिर चिल्लाने लगते हैं लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ, माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई, बंद कर दो। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता। तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो।
जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ। उठते ही पानी पियोगे तो दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे, 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम हैं आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा नियम, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। 4 नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है, और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है, और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं, उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। आपको शायद मालूम है या नहीं, 1 साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी, तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने। इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल, 6 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इससे बेहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पड़े और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये 6 लाख करोड़ का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर, अक्सर ये एलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है। और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं, और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं, ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का खेत बिक जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है, किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं, और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती है। तो हम 6 लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का, उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो योग प्राणायाम करें, 4 नियमों का जीवन में पालन करें, बहुत आसान है आपके लिए। और अब एक छोटी सी एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब गांवों से आए हैं, ग्रामीण रक्षा समिति के लोग काफी दिखाई दे रहे हैं, गांव में आप खेती करते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। खेती करने वाले किसानों के सामने आजकल इस देश में एक बहुत बड़ा संकट आया है, वो संकट ये है कि किसानों की जिंदगी में कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है।
मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अध्ययन किया था महाराष्ट्र राज्य में, और वो अध्ययन ये था कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, भारत के जो किसान हैं, इनके जीवन में खर्चे की स्थिति क्या है। तो उसके लिए कुछ गांवों में मैं घूमा था, कुछ परिवारों में सर्वेक्षण किया था, तो पता चला कि किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा है खेती का, और खेती में सबसे बड़ा खर्चा है यूरिया और डीएपी का। मैंने हर एक किसान के घर घर में जाके आंकड़े इकट्ठे किए, तो पता चला कि कोई किसान अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है जिंदगी में, तो 60 रुपए का खर्चा यूरिया डीएपी का है, और 20 रुपए का खर्चा कीटनाशक दवाएं छिड़कने का है, एंडोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, बीसियों किस्म की जहरीली दवाएं छिड़क छिड़क कर हम हमारे किसान की जिंदगी का, इनकम का 20% खर्च कर देते हैं। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि आप सब किसान हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, मेरे घर में भी खेती होती है, मेरा गांव उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है, हमारे घर में परंपरा से खेती होती है, हम सब जो किसान खेती करते हैं, एक साल में 21 करोड़ टन अनाज पैदा करते, भारत के किसान, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर सब मिलाकर 21 करोड़ टन। इस 21 करोड़ टन अनाज को बाजार में बेचें तो 10 लाख करोड़ रुपए आता है। अब एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 10 लाख करोड़ रुपए जो आता है 21 करोड़ टन अनाज बेचकर, ये जाता कहाँ है? किसानों की एक साल की पूरी आमदनी 10 लाख करोड़ की है भारत देश, और जो किसान जानवर पालते हैं, गाय, बैल, भैंस पालते हैं और उसका दूध बेचते हैं, उनकी आमदनी और 2.5 लाख, 3 लाख करोड़ की है, और जो किसान फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, उसको भी जोड़ दिया जाए तो कुल आमदनी 15 लाख करोड़ के आसपास है। अब 15 लाख करोड़ की आमदनी अगर किसानों की एक साल में होती है, तो हर किसान को इस देश में लखपति करोड़पति होना चाहिए। लेकिन कोई भी किसान इस देश में रोडपति है, बैंक का कर्जदार है, घर गिरवी रखा हुआ है, ट्रैक्टर गिरवी रखा हुआ है, बैल गिरवी रखे हुए हैं, गाय गिरवी रखी हुई है, गहने घर के गिरवी रखे हुए हैं, ऐसी हालत सब किसानों की है। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि आखिर ये इतना उत्पादन करके जो बिक्री होता है, ये जाता कहाँ है 15 लाख करोड़। फिर मैंने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से जानने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी कृषि मंत्रालय को और उनके एक मंत्री को पूछा कि भारत के किसान एक साल में जो खेती में कुल उत्पाद बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, दूध आदि बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, उनकी साल की आमदनी 15 लाख करोड़ की है, इनके खर्चे का क्या तरीका है, वो जरा मुझे जानना है। तो कृषि मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि किसान जो अपनी कुल आमदनी करते हैं साल की, उस आमदनी का 4,80,000 करोड़ तो खर्च हो जाता है यूरिया खरीदने में, डीएपी खरीदने में, और करीब 2,20,000 करोड़ खर्च हो जाता है एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियन जैसी दवाएं खरीदने में। अब 4,80,000 करोड़ गया यूरिया डीएपी में, 2,20,000 करोड़ चला गया दवाएं खरीदने में, 7 लाख करोड़ तो ऐसे ही डूब गया किसानों का। फिर मैंने पूछा जो बच गया पैसा वो कहां जाता है, तो फिर एक मंत्रालय को मैंने प्रश्न किया था, उनका नाम है कानून और न्याय मंत्रालय, उनके यहां मेरी चिट्ठी गई तो उनका जवाब आया कि भारत के किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं, किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं, एक किसान वादी है और एक किसान प्रतिवादी है, तो 7 करोड़ परिवार मिलकर ये मुकदमे लड़ रहे हैं, और ये मुकदमे आजादी के 62 साल से चल रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती ही जा रही है, किसानों की जेब से पैसा निकल निकल कर वकीलों की जेब में जा रहा है,
न्यायाधीशों की जेब में जा रहा है। मुकदमे का फैसला होता नहीं, पैसा किसानों का खर्च होता रहता है। मैंने ये 3.5 करोड़ मुकदमों का एक हिसाब निकाला कि एक मुकदमे पर एक वकील अगर पैरवी के लिए खड़ा हो जाए तो 500 रुपए से कम तो नहीं ही लेता वो, न्यूनतम। और कुछ कुछ तो ऐसे महापुरुष वकील हैं हमारे देश में जो एक दिन के लिए खड़े हो जाएं 5 लाख रुपए फीस ले लेते, ऐसे भी महापुरुष हैं इस देश। तो 500 रुपए सबसे कम और 5 लाख रुपए सबसे ज्यादा, मैंने वो हिसाब निकाला तो पता चला किसानों के इन मुकदमेबाजी में हर साल करीब 2 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है इन मुकदमेबाजी। और मुकदमे कैसे हैं, मेरे गांव का एक मुकदमा है जो मैं देख रहा हूं। मेरे गांव में 2 किसान मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको 36 साल हो गया मुकदमा लड़ते लड़ते। मामला क्या है, 2.5 एकड़ जमीन का मुकदमा है। एक किसान कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। 36 साल से केस चल रहा है, पहले लोअर कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला गया। अब वो केस में 2.5 एकड़ जमीन मिलने वाली है, या तो इसको या तो उसको। और मुकदमा लड़ते लड़ते 36 साल में दोनों किसानों की 20 एकड़ जमीन बिक चुकी है वकील को फीस देने। ऐसे होशियारी के काम हमारे किसान कर रहे। अब भैया फैसला कर लो, 1.25 एकड़ तुम ले लो, 1.25 एकड़ मैं ले लूं, बात खत्म हो जाए। फालतू वकील के पास तो ना जाए। तो वो दोनों किसान कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं फैसला कर लूं, वकील नहीं होने देता। और वकील क्यों नहीं होने देता, क्योंकि वो क्यों चाहेगा उसकी इनकम खत्म हो जाए। तो किसानों की मुकदमेबाजी में जो खर्चा है वो करीब करीब 2 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, वो 9 लाख करोड़ हो गया। अब एक खर्चा और है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास भागें, दवाएं खाएं, उसमें खर्च करते हैं हमारे किसान 2.5-3 लाख करोड़, उसमें खर्च हो जाता है। तो बचता ही नहीं है कुछ किसानों के हाथ में, सारी इनकम आई और चली गई और फिर किसान कर्जदार हो जाता है। तो आप सब किसानों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आया, वो ये कि अगर आप श्रीमंत होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। दुनिया में अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो देश अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो देश अपनी आमदनी उतनी ही बढ़ा सकता है। जो परिवार अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो परिवार उतनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो आप सभी किसान परिवारों से निवेदन है, विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपनी जिंदगी के फालतू खर्चे घटाओ। तो आप बोलोगे कहां खर्चा घटाएं, सबसे बड़ा खर्चा है उसी को खत्म करो, यूरिया का खर्चा, इसको घटा दो, यूरिया मत खरीदो। दूसरा बड़ा खर्चा है डीएपी का, ये भी मत खरीदो। तीसरा बड़ा खर्चा है कीटनाशक दवाओं का, एंडोसल्फान, मेलाथियन वगैरह, ये भी मत खरीदो। फिर आप बोलोगे तो खेती कैसे करें, खेती करने का मैं एक नया तरीका बताता हूं आपको। मैं भी खेती करता हूं, आप भी वैसे ही खेती करो। 15 साल पहले मैं और मेरे जैसे बहुत किसान यूरिया डीएपी डाल के खेती करते थे, अब हमने यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया है। ऐसे हजारों किसान इस देश में खेती कर रहे हैं जो यूरिया का एक दाना भी खेत में नहीं डालते। तो फिर आप बोलेंगे क्या डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं, भैंस का गोबर डालते हैं, बैल का गोबर डालते हैं, उससे खेती करते। फिर आप बोलेंगे ये गाय बैल भैंस का गोबर डालने से खेती अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं, 15 साल पहले जो किसान यूरिया डीएपी डालते थे 1 एकड़ में उनको 30 मीट्रिक टन गन्ना होता था। अब वही किसान गाय का बैल का भैंस का गोबर डालते हैं 1 एकड़ में उनको 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है, 3 गुना ज्यादा होता है। 15 साल पहले जो किसान गेहूं पैदा करने के लिए 1 एकड़ खेत में यूरिया डीएपी डालकर 12 क्विंटल गेहूं करते थे, अब वही किसान 20 क्विंटल 22 क्विंटल तक गेहूं करते हैं गोबर और गोमूत्र डाल के।
15 साल पहले जिन किसानों की 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास आती थी, अब गोबर गोमूत्र डालकर उनकी 7 क्विंटल कपास आती है। माने उत्पादन अच्छा होता है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है, इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं। जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है? गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो। कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं, फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं, नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं, जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है? 1 एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? मूत्र इकट्ठा करना भी आसान, गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना, तो उसका समय एकदम पक्का है। गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो, तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो। ऐसे ही बैल करता है, ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा, पेशाब करेगा, डब्बा भर लो। तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये खराब ही नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कभी खराब नहीं होता। तो भरे रहा है गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस गड्ढे में से उठाते रहो। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, उसमें मिला लो। मिलाने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और गुड़ ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता ना हो, काला काला हो जाता है एकदम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड़ इसमें डाल दो 1 किलो। और 1 किलो डाल दो कोई भी दाल का आटा या चोकर, चोकर समझते हैं? गेहूं का आटा छानने के बाद जो निकलता है, क्या कहते हैं उसको? चोकर कहते हैं, वो डाल दो 1 किलो। या अगर सस्ती दाल हो घर में उत्पादन की हुई तो उसको पीस के 1 किलो डाल दो। तो 1 किलो चोकर या 1 किलो दाल का आटा, और इसमें डालो 1 किलो मिट्टी। मिट्टी कहां से लानी है? पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 लीटर मूत्र, 15 किलो गोबर, ये 5 चीजें एक ड्रम में मिला दो। मिलाने के बाद 15 दिन इस ड्रम को छांव में रखो, धूप में मत रखना, छांव में, पेड़ के नीचे रख दो। छांव में रखने के बाद 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ, और पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ, इस घोल को खेत की मिट्टी पे छिड़क दो। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो। फसल में आप पानी देते हो ना, उसमें डब्बे से मिलाते जाओ, पूरे खेत में पहुंच जाएगा।
अब ये खाद गोबर गोमूत्र दाल का आटा गुड़ और मिट्टी वाला जो तैयार होता है ना, ये यूरिया से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई तो यूरिया डीएपी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए, उससे 6 गुनी ज्यादा ताकत इसमें है। इसलिए इससे उत्पादन ज्यादा आता है। और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ, हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकिल बन जाती है। जैसे 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, 4 महीने की फसल है 5 बार डल जाएगा, 6 महीने की फसल है 7 बार डल जाएगा। हर 21 दिन पर यह खाद डालते जाओ, परिणाम क्या होगा, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये खाद डालने से मिट्टी में केंचुए बहुत हो जाते हैं। और केंचुओं के बारे में आप जानते हैं, केंचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं, और केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं। फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे तो एक एक बूंद पानी नीचे चला जाता है, अगर केंचुए ज्यादा हो तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, माने बहकर बेकार नहीं जाता है। और केंचुए ज्यादा है ना तो केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में, वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, और वो गोबर की खाद से बढ़ती है, क्योंकि केंचुए को गोबर पसंद है। अगर आप एक बार गोबर की खाद डाल दोगे, कहीं से भी केंचुआ घूमता हुआ खेत में आ जाएगा। और केंचुआ बड़ा विचित्र जीव है, 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी संडे नहीं, कभी मंडे नहीं, और फोकट में काम करता है, कभी टीए नहीं, कभी डीए नहीं, कभी एचआरए नहीं, न छुट्टी लेता है न तनख्वाह लेता है। और ऐसा विचित्र जीव है ये केंचुआ कि साल भर ये जिंदा रहता है, और साल भर में 1 लाख बच्चे पैदा करके ही मरता है। वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो, वो एक केंचुआ 1 लाख पैदा करता। तो खेत में एक केंचुआ आया तो 1 लाख हो गए, 1 लाख और एक एक लाख करेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस खेत में केंचुए ज्यादा हैं वहां की मिट्टी तो सोना पैदा करती है, ये सारे दुनिया के वैज्ञानिक मानते। केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, मिट्टी में सोना उपजेगा, खूब पैदावार होगी, खूब फसल मिलेगी। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 मिनट में एक और बात कह के मैं व्याख्यान खत्म करूंगा, समय हो रहा है। अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया, अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूं। ये खाद तो आप खेत में डालोगे, बहुत उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगर आपका पड़ोसी किसान ये खाद नहीं डाल रहा है तो एक गड़बड़ी होगी, उसके खेत में कीड़े लगेंगे। जिस खेत में यूरिया पड़ता है कीड़े उसी खेत में लगते, जहां डीएपी लगता है सबसे ज्यादा फसल को बर्बादी उसी खेत में आती है। तो पड़ोस का किसान नहीं माना, वो यूरिया डालेगा, कीड़ा उसके खेत में आएगा, फिर वो आपके खेत में भी घुस सकता है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं है आपने। तो कीड़े मारने के लिए क्या करेंगे फिर, उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताता हूं। कीड़े मारने की दवा भी आप खुद बना लो, बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो। अब इस 20 लीटर मूत्र में 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। नीम तो है, सब गांव में है, नीम की निम्बोली भी आती है, तो निम्बोली पीस के डाल दो, नहीं तो नीम के 2.5-3 किलो पत्ते पीस के डाल दो। फिर एक सीताफल का पेड़ होता है, देखा है, उसके पत्ते पीस के डाल दो, 2-2.5 किलो। फिर एक पेड़ होता है उसको आकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं आकड़ा कहते हैं, उसको अकौवा भी कहते हैं, तो उसका 2.5-3 किलो पत्ता पीस के डाल दो। फिर और एक पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेशरम, आप पता नहीं क्या कहते हैं, ये कैसा होता है मैं बताता हूं। बेशरम कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा, पान के जैसा पत्ता होता है, बिना बीज के होता है, बिना पानी के, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको, हर गांव में होता है। तो 2.5-3 किलो बेशरम के पत्ते ले लो, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो इसके पत्ते ले लो सीताफल के, और 2.5-3 किलो आकड़े के पत्ते ले लो, और इसमें 0.5-1.5 किलो तंबाकू पीस के डाल दो, और इसको खूब उबालो गोमूत्र में।
उबालते समय इसमें एक काम और कर सकते हैं, आधा किलो लहसुन पीस के डाल दो, आधा किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो और उबाल के इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको छान लो। अब जो घोल बन गया है इसमें 200 लीटर पानी मिला दो और ये एक एकड़ फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है। और इसको स्प्रे कर दो खेत में, तैयार हो गए। अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो। एक एक साल, दो दो साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट हो। तो कीटनाशक दवा बना लिया और खाद बना लिया। और अब तीसरा एक काम और कर लेना कि बीज जब खेत में डालते हैं तो बीज को खेत में डालने से पहले संस्कारित कर लेना। और संस्कारित कैसे करना, मान लो बीज लगाना है हमको गेहूं का, तो गेहूं का बीज लेना पहले बीज बोने से 2 दिन पहले, उसको 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र और 100 ग्राम चूना, चूना आप समझते हो कलई चूना, 100 ग्राम कलई चूना, 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र, ये तीनों को मिला लो। कलई चूना को मिलाने का तरीका है कि पहले उसको पानी में डालो, खूब पानी को वो गर्म कर देगा, फिर ठंडा हो जाए तब उसको गोबर और मूत्र में मिला लो। मिला के ये घोल में गेहूं का बीज डाल दो और रात में डाल दो, सवेरे उस बीज को निकाल लो, निकाल के उस बीज को छांव में सुखा दो और छांव में जब बीज सूख जाए फिर उसको खेत में लगाओ। तो इस बीज पर कभी भी कीड़ा नहीं आता, कोई कीट नहीं लगता, इतना बड़ा इंतजाम पहले ही हो जाता है। तो खर्चा बच गया और उत्पादन ज्यादा आता है। तो बीज संस्कार करके लगाना, खाद बनाने का तरीका बता दिया, कीटनाशक का तरीका बता दिया। और ये तीनों तरीके अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान का 7 लाख करोड़ रुपया साल का हम बचा सकते हैं। और ये रुपया बचा के गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं तो जानवरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जानवरों की संख्या अगर बढ़ती है तो दूध भी ज्यादा मिलेगा, गोबर गोमूत्र भी ज्यादा मिलेगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब किसान इसी तरीके से गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, चना करो, दाल करो, हम भारत स्वाभिमान की तरफ से आपका सब खरीदने को तैयार है। क्योंकि भारत स्वाभिमान अगले साल से 1,000 दुकानें खोलने जा रहा है पूरे देश में, जहां गोबर गोमूत्र का गेहूं मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चावल मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चना मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑर्गेनिक, एकदम शुद्ध देशी खाद का बनाया हुआ, गोबर का बनाया हुआ गेहूं, चावल, चना, दाल मिले, ऐसी 1,000 दुकानें हम खोल रहे हैं। उन दुकानों पर आप जो पैदा करेंगे वो बेचने के लिए हम सुविधा देंगे, और आप बेचकर अपना मुनाफा रखो। दुकान चलाने के लिए 5-7% जो खर्चा आता है वो उसी में से निकल जाएगा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सारे देश में हम चलाना चाहते हैं। तो हम बेचने में मदद करेंगे, आप उत्पादन करो, और जब ये उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको दुनिया भर के देशों में बेचना चाहते हैं। और दुनिया भर के देशों में ये बेचेंगे, 4 गुना मुनाफा आएगा। मैंने लंदन में देखा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यूरिया डीएपी का आलू है 1 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, और गोबर गोमूत्र का आलू है 4 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, 4 गुना महंगा बिकता है। मेरे कई दोस्त हैं वो किसान हैं, महाराष्ट्र में आम की खेती करते हैं, वो गोबर गोमूत्र का आम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक आम की कीमत 65 रुपए मिलती, और यहां यूरिया डीएपी का आम बेचते हैं तो 15 रुपए किलो में सब चला जाता है। कहां 65 रुपए का एक आम, कहां 15 रुपए का 1 किलो। तो मैं चाहता हूं कि सारे किसान जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस उपलब्ध हो तो सारी दुनिया में हम ये माल बेच सकते हैं। और पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जो ये सामान बेच सकता है, क्योंकि जो गाय और बैल हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। दूसरे देशों के पास जो गाय है वो जर्सी गाय है, होलेस्ट्रियन और फ्रीजियन है, उसका गोबर ही काम का नहीं है, वो बिल्कुल बेकार, उसका मूत्र भी काम का नहीं। देशी गाय है ना, उसी के गोबर में ताकत है, जर्सी और विदेशी गाय का गोबर तो बिल्कुल बेकार है। तो इसमें जब गोबर लेना तो देशी गाय का,
और मूत्र लेना तो देसी गाय का। और एक छोटी सी आखिरी बात कहता हूं किसानों के लिए कि जिस गाय का गोबर गोमूत्र खेत में डालो 7 लाख करोड़ बचे, इसी गाय का देसी गाय का मूत्र अगर आप पीना शुरू करो तो 6 लाख करोड़ और बचेगा, बीमारी ही नहीं आएगी। और गाय का मूत्र पियो तो सब बीमारी मिट जाएगी। मैं पिछले 12 साल से परीक्षण करता हूं, 48 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसी हैं जो गाय के मूत्र से जड़ से ठीक हो जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोअर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ऐसी खतरनाक 48 बीमारियां गाय मूत्र पीने से जड़ से ठीक हो जाती है। आप बोलेंगे कैसे पीना है? आधा कप गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पीना है, सवेरे सवेरे रोज बस। और देसी गाय का पीना है, 3-4 महीने लगातार पी लो, सब बीमारी मिट जाएगी। आंखों में बीमारी है तो एक एक बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल लो, आंखों की बीमारी मिट जाएगी। कान में बीमारी है, कान में डाल लो, कान की बीमारी मिट जाएगी। सिर के बाल अगर झड़ते हो और बहुत ज्यादा रूसी आती हो, डेंड्रफ, गोमूत्र को पानी में मिला के बाल की मालिश कर लो, वो भी बीमारी मिट जाएगी। पाँव में ठेक पड़ जाती है कई बार और पाँव कट जाते हैं, फट जाते हैं, क्रैक्स, गाय मूत्र की मालिश करके रात को सो जाओ, ये बीमारी भी मिट जाएगी। खाज हो जाए, खुजली हो जाए, गोमूत्र की मालिश करो, खाज खुजली मिट जाएगी। दाद हो गया, एक्जिमा, सोराइसिस, उस पे मालिश करो, वो भी मिट जाएगी। ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूत्र से ना मिटे। बस इसको पीना है और लगाना है। अब बहुत लोग कहते हैं गोमूत्र पियेंगे कैसे, उसमें बास आती है, तो मुझे ये बताओ दारू कैसे पी लेते हो, उसमें तो और भी बास आती है। दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं तो गोमूत्र क्यों नहीं पी सकते? बस आधा कप पीना है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो लोग आधा कप गोमूत्र रोज पी सकते हैं उनकी दारू छूट जाती है, क्योंकि गाय के मूत्र में भी सल्फर है और बहुत अधिक मात्रा में। दारू छूटती है, बीड़ी छूटती है, शराब, गुटखा, मावा, पान पराग सब छूट जाता है। और कभी कभी मुंह खराब हो जाता है ना, गुटखा खा खा के, और इतना खराब हो जाता है कि मुंह में फोड़ा हो जाता है, जिसको हम कैंसर की पहली स्टेज कहते हैं। उसमें गोमूत्र मुंह में भरो, ऐसे ऐसे मुंह में भर के उसको घुमाओ और कुल्ला करना शुरू कर दो, वो फोड़ा भी मिट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोमूत्र से मुंह का फोड़ा मिटा के फिर गुटखा खाएं, छोड़ देना ही अच्छा है। तो आप इस गोमूत्र का दवा के रूप में इस्तेमाल करो, व्यसन को छोड़ने में इस्तेमाल करो, शरीर की बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल करो। माताएं बहनें यहां बैठी हैं, उनको एक बात बताने का दिल कर रहा है कि बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भावस्था होती है ना, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन ऑपरेशन कराओ नहीं तो बच्चा नहीं आएगा, और उसके 20 बहाने वो बताते। कभी कहेंगे जगह छोटी है, कभी कहेंगे ये बीमारी, कभी वो ये। आप कुछ मत करो, बस एक काम करना, किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप, और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना। गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना, और जिस माँ को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको, 2-3 घूंट सुबह, 2-3 घूंट दोपहर, 2-3 घूंट शाम। रात को बच्चा अपने आप बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़े। मैंने हजारों माताओं बहनों की डिलीवरी इस गोबर गोमूत्र से फोकट में कराई है, और ये गोबर गोमूत्र में इतनी ताकत है। मैं आपको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को सरल भाषा में समझाता हूँ। बच्चा कई बार उल्टा हो जाता है गर्भाशय में, तो डॉक्टर कहते हैं अब तो कोई इलाज नहीं, काटना ही पड़ेगा पेट। गोबर गोमूत्र की 3 डोज दे दो, वो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। गाय के मूत्र में इतनी ताकत है, इसलिए आप इसको पीना शुरू करो, पिलाना शुरू करो। इसका इलाज सबसे अच्छा है, खर्चा कुछ नहीं है, पैसे कोई जाने वाले नहीं, गाय अपने पास है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, बार बार आप गाय का मूत्र पियोगे, अपनी बीमारी ठीक करोगे, तो आपके मन में गाय के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अभी तक तो आप दूध पीते थे, लेकिन दूध तो गाय हमेशा देती नहीं है,
तो उस गाय को कसाई को बेच देते हैं। अब मूत्र तो जिंदगी भर देगी, तो मैं किसानों से कहता हूं गाय को दूध के लिए मत पालो, मूत्र के लिए पालो। दूध मिले तो बोनस है, मूत्र असली है। और जो गोमूत्र पीना शुरू किया, आंख में डालना शुरू किया, बीमारी मिटती है। आंखों की एक बीमारी है जो दुनिया में कभी ठीक नहीं होती, उसको रेटिनल डिटेचमेंट कहते हैं। अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका। और एक ग्लूकोमा, बिना ऑपरेशन ठीक ही नहीं होता। ये दोनों बीमारी एक एक बूंद गोमूत्र से 3 महीने में जड़ से मिट जाती है। जिनको चश्मे चढ़ गए हैं ना, चश्मा उतारना है तो गोमूत्र डाल लो तो चश्मा उतर जाता है। सब तरह की बीमारी आपकी खत्म करता है गाय का मूत्र, क्योंकि गोमूत्र में 18 तरह के रासायनिक तत्व हैं। सल्फर उसमें है, कैल्शियम उसमें है, आयरन उसमें है, मैग्नीशियम उसमें है, मैग्नीज उसमें है, भगवान के दिए हुए हैं, प्रचंड मात्रा में है, मुफ्त में है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो गोबर गोमूत्र को खेत में डालो तो यूरिया का खर्च बचेगा, शरीर में पियो तो 6 लाख करोड़ की बीमारी का खर्च बचेगा। तो खाली गाय से ही एक साल में इस देश का 15 लाख करोड़ का फायदा हम करा सकते हैं। और ये ताकत हम में से हर किसान में है। और ये ताकत का अंदाजा किसानों को लग जाए तो भारत देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता और हमको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो पैदा करके दुनिया को खिला सकते हैं, इतनी ताकत गाय के गोबर और मूत्र में। बस अब एक काम करना, एक संकल्प ये लेके यहां से उठना कि गाय पालेंगे, उसको कसाई को नहीं बेचेंगे। मुझे दुख इस बात का है, गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगे जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी मां के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है। अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो। और मैं तो एक तरीका बताता हूं कि गाय मर गई तो उसका चमड़ा कभी मत उतारना, बहुत पाप लगता है। उसको ऐसे का ऐसा ही दफन करना, खड्डा खोद के। और जहां गाय को दफन किया वहां आम का एक पेड़ लगा देना। 3 साल में वो पेड़ इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। मैंने ये किया है, गाय का शरीर जिस मिट्टी में दफन हुआ वहां आम का पेड़ लगा दिया और दूर एक दूसरा आम का पेड़ लगा दिया। उस आम के पेड़ पे 100 फल आते हैं तो गाय के शरीर वाले आम के पेड़ पे 400 से 500 फल आते हैं। 4-5 गुना ज्यादा उत्पादन है। और आम बड़ा होता है और एकदम मीठा होता है, माने गाय जिंदा रहते इतनी हमारी मदद करती है, मरने के बाद भी इतनी मदद करती है। इसलिए इसको कसाई को तो देना नहीं। और गाय को काटें, उसका मांस बिके 10,000 रुपए, गाय को जिंदा रखें और उसके मूत्र से दवा बनाकर बेचें तो साल की आमदनी 2 लाख रुपए है एक गाय की। इसलिए गाय फालतू नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने कहा कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और जो देवता है ना, उनमें गोबर में तो लक्ष्मी है और गोमूत्र में धन्वंतरी है। ये अब समझ में आया? मेरी अम्मा मुझे समझाती थी, दादी, कि गोमूत्रे बसति लक्ष्मी, सॉरी, गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, ऐसा एक संस्कृत सूत्र हमने सीखा था। अब गाय के मूत्र में धन्वंतरी, गोबर में लक्ष्मी, तब समझ में नहीं आया। अब आया कि गोबर डालते हैं खेत में, खूब अन्न पैदा होता है और बहुत महंगे दाम पर विदेशों में बिकता है, तो डॉलर के डॉलर आते हैं, तो लक्ष्मी ऐसे है गोबर में। और मूत्र को उपयोग करते हैं तो बीमारी मिटती है, बीमारी मिटे तो धन्वंतरी ही है फिर। तो गोबर गोमूत्र में भगवान है, ये ध्यान रख के आप अपने घर में गाय लेके आओ। और मेरा तो आपको कहना है कि जर्सी गाय जो गलती से लाई हो तो तुरंत बेचो, देशी लेके आओ। जर्सी बेचोगे तो 3 देशी गाय आएगी। जर्सी खाती भी ज्यादा है, हगती भी ज्यादा है और बिल्कुल बेकार है उसका गोबर, ना उसका गोबर काम का ना मूत्र काम का।
आप कहोगे जो दूध ज्यादा देती है वो दूध बिल्कुल बेकार है, कोई पीने लायक नहीं है। दुनिया के किसी देश के लोग जर्सी गाय का दूध नहीं पीते, भारत को छोड़कर। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, फिर भी वो दूध नहीं पीते, क्योंकि कहते हैं इससे कैंसर होता है, अर्थराइटिस होता है। तो इस जर्सी गाय को बेच के देसी गाय लाओ और उसको पालो, तो आपका ये जीवन सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। और मैं तो मानता हूं गाय का सबसे बड़ा मूल्य है, सवेरे ही सवेरे सोकर उठो और गाय के चेहरे का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन हो गया। इतना आनंद और इतनी खुशी मिलती है गाय का दर्शन करने में। आंखें देखो कितनी सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर है। तो ऐसी गाय पालकर अपनी खेती सुधारो, खुद को सुधारो, देश को सुधारो। ये निवेदन करके मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी ध्यान से, गंभीरता से सुना, और निवेदन करता हूं कि ये करना जरूर। अच्छा ये बताओ करोगे? कौन कौन करेगा जरा हाथ तो उठाओ। बहुत बढ़िया। और जब ये पैदा होने लगे, गेहूं, चावल, चना, दाल, तो मुझे पतंजलि समिति को बताना, हम उसके बिकवाने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छे से अच्छा भाव आपको मिले, अच्छी से अच्छी कीमत पर ये चीजें बिकें, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। ओ बहनों, ये मंच पर आसीन भारत स्वाभिमान की प्रांतीय संयोजिका डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा बाई खींची जी, जो मंडल प्रभारी हैं, मेरे साथ मंच पर बैठे आपके नगर क्षेत्र के सम्माननीय विधायक महोदय, मैं आप सबसे इस बात के लिए सब क्षमा चाहता हूं कि 1 घंटा देरी से आया, और उसका कारण ये है कि मैं रात को 3 बजे यहां पहुंचा, तो देरी से सोकर उठा, उस कारण से आपके बीच आने में देरी हुई, माफी चाहता हूं। भारत स्वाभिमान का जो काम शुरू हुआ है पूरे देश में, इसके बारे में कुछ बातें आपसे मुझे कहनी है। 5 जनवरी 2009 को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का गठन किया। उस दिन इस ट्रस्ट का पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली में। ये ट्रस्ट का जो विस्तार है वो भारत देश और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी, भारत में भी काम करना है। क्या अपने देश की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करना है, दुरुस्त करना है। एक अभियान तो परम पूजनीय स्वामी जी कई वर्षों से चला रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य देने का, चिकित्सा मुक्त जीवन देने का, निरोगी जीवन देने का, योग और प्राणायाम की मदद से, और आप सब उसमें लगे हुए हैं। सारे देश के करोड़ों लोगों को उससे लाभ हो रहा है। अब स्वामी जी ने एक दूसरा अभियान शुरू किया है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, लोग निरोगी हो जाएं, चिकित्सा मुक्त हो जाएं, रोग मुक्त हो जाएं, और हर साल जो 6 साढ़े 6 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होता है इस देश में चिकित्सा व्यवस्था पर, वो पैसा खर्च होना बंद हो जाए। परम पूजनीय स्वामी जी की ऐसी मंशा है, ऐसा उनका आग्रह है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति रोग से ना मरे। मरना तो सभी को है, जीवन तो सबका निश्चित है, लेकिन कोई रोगी ना मरे। हंसता खेलता स्वस्थ आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाए, ऐसी उनकी मन में कल्पना है। उसके लिए रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। करोड़ों लोगों को उन्होंने शिविरों के माध्यम से प्राणायाम सिखाया है, योग सिखाया है, और भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी। और उससे भी बड़ी बात है कि जिन्होंने सीखा है और किया है वो सब बोलते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ है। लाखों करोड़ों लोगों के ब्लड प्रेशर ठीक हो गए हैं, लाखों करोड़ों लोगों को हृदय की तकलीफें ठीक हो गई हैं, लाखों करोड़ों लोगों को घुटने का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो गया है, हजारों हजार लोगों का कैंसर मिट गया है जो दुनिया में ठीक नहीं होता। गंभीर बीमारियां जो मानी जाती हैं, जेनेटिक बीमारियां जो मानी जाती हैं, वो भी ठीक हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से काम चल पड़ा है, और आप योग शिक्षक इसमें तन मन धन से लगे हैं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं।
अब स्वामी जी को ऐसा लगता है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसके साथ साथ देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, लोगों की बीमारी की जो समस्या है वो ठीक हो जाए, तो देश की दूसरी समस्याएं भी ठीक हों। हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में आज़ादी के बाद भी अत्याचार है जो हमारे ऊपर होता है, शोषण है, ये देश की समस्याएं भी ठीक हों, ये अब उनके मन में आया है। तो लोगों की बीमारियों की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना है जो लगभग 15 साल से काम करता है, और उसके नीचे पतंजलि योग समितियां बनी हुई हैं जो देश भर में काम करती हैं। आपकी रतलाम समिति एक है। इसी तरह से स्वामी जी ने देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया, भारत स्वाभिमान, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अत्याचार, मारामारी, शिक्षा का प्रश्न, ये सारे प्रश्नों को इसमें हल करना। इस ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं, मुझे स्वामी जी ने राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दे रखा है। सारे देश में 2,40,000 अपने योग शिक्षक हैं जो इस काम से जुड़े हैं। अगले साल जनवरी तक 11,00,000 योग शिक्षक इस काम से जुड़ जाएंगे, इसके लिए काम तैयारी चल रही है। आप अगर आस्था चैनल में देखते होंगे तो हर हफ्ते एक शिविर होता है हरिद्वार में, अलग अलग राज्यों का। अभी थोड़े दिन पहले शिविर खत्म हुआ आंध्र प्रदेश का, उसके पहले उड़ीसा का, उसके पहले हुआ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्यों के शिविर हुए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का शिविर होने वाला है सितंबर में, बंगाल का शिविर होने वाला है, अन्य राज्यों के शिविर होने वाले हैं। तो हर सप्ताह में 5-6 दिन के शिविर होते हैं हरिद्वार में, और परम पूजनीय स्वामी जी खुद उस शिविर में सबको सिखाते हैं, बताते हैं। एक शिविर में 6,000 से 7,000 लोग आते हैं। ऐसे जनवरी तक शिविर चलने वाले हैं, तो इन शिविरों के माध्यम से लगभग 11,00,000 लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, ऐसी कोशिश हो रही है। फिर क्या हो रहा है, जनवरी के बाद स्वामी जी पूरे भारत के दौरे पे निकलना है, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। एक एक जिले में एक एक दिन के लिए वो जाने वाले हैं। 680 जिले हैं इस देश में, तो लगभग 680 दिन का प्रवास स्वामी जी का होने वाला है, और उस समय जो सभाएं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उनके माध्यम से 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना है। आप जानते हैं कि ये संगठन हमने बनाया है और इसको बड़ा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। बड़े संगठन बड़े काम के लिए होते हैं, तो ये संगठन इतना बड़ा 5 करोड़ लोगों का होने जा रहा है अगले 2 साल में, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य यही है कि अपने देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना है। किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है? हमारे रोज के जीवन में जो तकलीफ पैदा करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको पहले ठीक करना है। फिर हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। फिर हमारे देश में कानून और न्याय को देने वाली जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। हमारी प्रशासन व्यवस्था को ठीक करना है। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। ऐसे करके सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के 9 उद्देश्य हैं, उनके लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या अपनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। अर्थव्यवस्था से मैं बात शुरू करता हूं,
अपने देश को आजाद हुए लगभग 62 साल हो गए, 63वां साल शुरू हो गया। अब आजादी के 62-63 साल के बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे गंभीर समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है, एक उदाहरण से बताता हूं। हमारे देश की जो सरकार चलती है दिल्ली में, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक कमीशन बनाया था, एक आयोग बिठाया था, और उस आयोग का अध्यक्ष बनाया प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता नाम के एक बहुत विद्वान व्यक्ति को। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इस देश में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे श्रीमती गांधी के। बहुत साल तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बंगाल सरकार में वित्त मंत्री रहे। दुनिया भर के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स देने जाते हैं, बहुत विद्वान आदमी है, दुनिया उनका सम्मान करती है। तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप 5 साल एक अध्ययन करो, अभ्यास करो, और ये बताओ कि गरीबी कितनी है, बेकारी कितनी है, भुखमरी कितनी है, आर्थिक समस्याएं हमारी बताओ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई है, बड़ी मोटी है। वो रिपोर्ट पिछले साल संसद में पेश हुई, फिर मुझे भी मिल गई पढ़ने को। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं। अब तक हमारी सरकार ये कहती थी कि 32 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में, जिनको इस देश में कहा जाता है गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने कहा कि ये 32 करोड़ नहीं है, ये 84 करोड़। और ये आंकड़ा उनको भारत के 31 राज्यों के भ्रमण के बाद पता चला। 31 राज्यों में वो घूमे, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में घूमे, तब जाकर उन्होंने ये बताया कि 84 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं। कितने गरीब हैं? एक दिन में वो 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, इतने गरीब हैं। 20 रुपए उनके पास नहीं है खर्च करने के लिए। उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया कि 84 करोड़ लोगों में 50 करोड़ तो इतने गरीब हैं कि एक दिन में 15 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 84 करोड़ में से 25 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, और करीब 15 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, और 7 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। 7 करोड़, इतनी गरीबी इस देश में है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि भारत के दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर, मद्रास, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए और गांव की तरफ निकल जाएं हम देखने के लिए, तो गरीबी का महासागर है इस देश में। ये कुछ बड़े बड़े शहर हैं जिनकी संख्या 20-50 से ज्यादा नहीं है, जहां कुछ अमीरी दिखाई देती है, बाकी देश तो गरीबी में डूबा हुआ है। ये पहली बार देश को पता चला कि 84 करोड़ लोग गरीब हैं। मेरे को भी पता चला उसके बाद, मैं तो ये सोचता था 32 करोड़। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात मुझे जो दूसरी पता चली, जिसने भारत स्वाभिमान अभियान को बनाने में भूमिका निभाई, कि ये गरीबी आजादी के बाद लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय के आंकड़े हैं कि 4.5 करोड़ लोग गरीब थे इस देश में। अब आजादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हैं। क्या भयावह परिस्थिति है। आजादी के 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं गरीबी दूर करने के लिए,
11 योजनाएं बनी और हर योजना में गरीबी दूर करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। एक योजना बनती है ना पंचवार्षिक, जिसको आप 5-ईयर प्लान कहते हैं, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा होता है गरीबी हटाना, गरीबी मिटाना। उसके लिए 10 लाख करोड़ का बजट होता है एक योजना का। ऐसी 11 योजनाएं बन चुकी हैं, माने 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है लगातार। 4.5 करोड़ से अब 84 करोड़ हो गए। मेरे जैसे लोग ऐसा सोचते थे कि जब हम आजाद हुए तो हम गरीब इसलिए थे कि अंग्रेजों ने हमको लूटा, 250 साल इस देश पर उन्होंने शासन किया, लूट लूट के सारा धन उन्होंने लंदन में जमा कर लिया, तो हम गरीब हो गए 4.5 करोड़। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद तो 84 करोड़ लोगों की गरीबी। ये बात हमको पच नहीं पाई, हजम नहीं हो पाई, तो हमने इस दिशा में शोध करना शुरू किया कि आखिर इसका कारण क्या है। तो हमारे देश के लोगों के दिमाग में कुछ कारण हैं, उनमें से एक है, वो आपके मन में भी आता है, मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि राजीव भाई गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी सरकार बताती है कि ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख है, इतनी संख्या हर साल हमारे देश में बढ़ जाती है, माने एक ऑस्ट्रेलिया देश इस देश में शामिल हो जाता है हर साल। तो इसका मैंने जानने का कोशिश की, अभ्यास किया, तो पता चला जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। 1947 में हम 32 करोड़ थे, 33 करोड़ के आसपास थे, 32 करोड़ 80 लाख, 33 करोड़ थे। अब 2009 में हम 115 करोड़ हैं, इसका माने जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो गरीबी इस समय 15 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता कि जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई, ये समझ में नहीं आता। गणित का साधारण सा विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है कि अगर जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ रही है तो गरीबी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, तो 12 करोड़ 15 करोड़ गरीब हो जाते, हम 4.5 करोड़ थे 15 करोड़ हो जाते, लेकिन हम तो 84 करोड़ कहां से हो गए, ये कोई गंभीर बात है। और इस गंभीर बात को जानने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि ये गंभीर बात पैदा हुई है पिछले 62 साल में भारत के राजनीतिक भ्रष्टाचार से। हमारे देश में 62 साल में भ्रष्टाचार 21 गुना बढ़ा है। 1947 में भारत के आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार में जितना धन व्यर्थ होता था, बर्बाद होता था, उससे 21 गुना ज्यादा अब होता है। तब सीधी सीधी सी बात समझ में आती है, भ्रष्टाचार माने लूट आपके धन और संपत्ति की। तो अगर आपकी लूट 21 गुनी बढ़ गई है तो गरीबी 21 गुनी बढ़ने ही वाली है, तो इस देश की भ्रष्टाचार जो है वो गरीबी की समस्या का बड़ा कारण। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी, आपने उनकी वो बात याद रखी होगी, वो कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, तो उस आदमी के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते। और उन्होंने खुद कहा था संसद में कि बीच के जो 85 पैसे हैं वो हमारे नेता और अधिकारी मिलके खा जाते। माने विकास के लिए जो धन आवंटित होता है उसका 85% लूट हो जाती। और ये राजीव गांधी ने कहा था 1984 में, उस समय भ्रष्टाचार कुछ कम था। अब 2009 आ गया, अब तो हमारे देश में
भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनकी रिपोर्ट कहती है कि अब तो 1 रुपया जब विकास के लिए नीचे भेजा जाता है तो गरीब आदमी तक 7 से 8 पैसा ही पहुंचता है। अब तो हालत और खराब हो गई। आखिरकार ये सारा पैसा जाता कहां है? ये लूट जाता है अधिकारी और नेताओं के द्वारा। फिर लूटने के बाद ये पैसा कहां जाता है? ये विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। आप पूछेंगे जी कितना लूट जाता है? हमने एक दिन आंकड़े बनाए, सरकार के अलग अलग विभागों से इकट्ठे किए। केंद्र सरकार हमसे टैक्स लेती है हर साल, कुछ नाम है उस टैक्स के, जैसे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसे केंद्र सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है। उसमें पूरे देश के लोगों से 6.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं वो। फिर राज्य सरकार टैक्स लेती है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग लेती है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की अलग लेती है। 31 राज्यों की राज्य सरकार हर साल हमसे 12 लाख करोड़ का टैक्स इकट्ठा करती है कुल मिलाकर। फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स लेता है, नगर पालिका टैक्स लेती है। तो भारत देश में जितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है करीब 1400 से ज्यादा हैं, 1400 से ज्यादा, वो टैक्स इकट्ठा करते हैं और वो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे हर साल। मेरे जैसे लोग सरकार के अधिकारियों को पूछते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का तुम करते क्या हो? कहते हैं जी विकास करते हैं इसका। तो 20 लाख करोड़ तो इतनी बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इसका हिसाब निकाला था कि इस रकम का अगर हम सरकार को देना बंद कर दें, टैक्स भरना बंद कर दें और ये रकम हम गरीबों में बांट दें तो हर गरीब इस देश में लखपति हो जाता है एक ही साल में। 2-3 साल की बात नहीं कर रहा, एक ही साल 20 लाख करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठे कर लें आपस में मिलके और सरकार को बीच में से निकाल दें कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं, हम कर लेंगे इस काम को, क्योंकि इतनी अकल तो हमको भी है जो उनको है। हम भी वही दाल रोटी खाते हैं जो ये सरकार के अधिकारी खाते हैं। कोई बहुत होशियार तो है नहीं, हमारे ही बीच में से गए हैं। तो अगर हमको बाहर कर दें और 20 लाख करोड़ से देश के विकास की योजना बनाए, तो मैंने एक दिन सोचा कि 20 लाख करोड़ का सोना खरीद लें। मान लो इतना सोना आता है कि 6,35,365 गांव की एक एक सड़क सोने से बन सकती है। माने 20 लाख करोड़ की रकम में जो हम उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में कारखाना, तो इतने कारखाने लगेंगे कि 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस देश में। तो 20 लाख करोड़ से एक साल में तो गरीबों को अमीर कर सकते हैं, दूसरे साल में सोने की सड़कें बना सकते हैं और तीसरे साल में सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। फिर करेंगे क्या? चौथे साल क्या करेंगे? 20 लाख करोड़ तो फिर आएगा चौथे साल। तो चलो स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, सब करने के बाद फिर पांचवें साल तो कुछ नहीं बचता करने के लिए। भजन करें, प्राणायाम करें, योग करें, फिर भी ये 20 लाख करोड़ तो सामने रखा है, करें क्या इसका? मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि ये जितनी रकम हम टैक्स में देते हैं, ये रकम अगर 5 साल की कुल इकट्ठी हो जाए तो सारे देश की हर समस्या का समाधान हो जाए। और ये नेता 62 साल से ये रकम इकट्ठी करके विकास नहीं कर पा रहे हैं देश का, चक्कर क्या है? तो चक्कर दूसरा है। चक्कर ये है कि ये नेता और अधिकारी इस रकम से अपना विकास कर रहे हैं, देश का नहीं कर रहे, लूट लूट के घर भर रहे हैं।
मैंने आजकल भारत के नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है। जन्म कुंडली मतलब ये नहीं, वो ज्योतिष वाली नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, दूसरी जन्म कुंडली, वो ये कि जब वो राजनीति में आए तो उनके पास कितना धन संपत्ति था, और राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री वगैरह वगैरह होने के बाद कितना हो गया। अब तक मेरी सूची में 420 नेता शामिल हुए हैं, और ये सब ऊंचे स्तर के हैं, छोटे स्तर वाले बात नहीं कर रहा हूं। ये तो जो केंद्र में रह चुके हैं, कोई मंत्री, कोई कुछ, कोई कुछ, उनकी बात कर रहा हूं। राज्य का तो अभी नंबर ही नहीं। तो एक दो नेताओं का बिना नाम लिए बताता हूं, आप वैसे बहुत होशियार हैं, समझ जाएंगे। एक नेता है, महाराष्ट्र के हैं, 20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल नहीं थी, बस में चढ़ने का किराया नहीं था जेब में, दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी बस का टिकट खरीदते थे, चाय पीने के लिए पैसा नहीं था, और मां बाप ने कोई संपत्ति छोड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत गरीब थे। आज उस नेता के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, और आप कभी आओ महाराष्ट्र में तो मैं दिखाऊंगा आपको, गांव गांव ले जाके। बंबई से पूना के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है, उस दूरी में जितने गांव आते हैं उस गांव की सारी जमीन उसने खरीद रखी है, एक नेता ने। हजारों हेक्टेयर जमीन एक नेता के नाम है, जिसके पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी। और जमीन के कागजात जब हमने इकट्ठे किए तो उसके कुत्ते बिल्लियों के नाम से जमीन, ऐसी लूट मची हुई है इस देश। एक और बताता हूं, एक नेता है हमारे महाराष्ट्र में, बंबई में 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पे वो भाजी बेचता था, भाजी मतलब पालक, मेथी, सब्जी बेचता था, माफ करिएगा सब्जी, भाजी मराठी शब्द है, सब्जी बेचता स्टेशन पे बैठ के। आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ति। बीस साल पहले एक नेता महाराष्ट्र के नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, आज उसके पास पूरे महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति। और ये जो नेता है ना, इनके कुछ एजेंट होते हैं, तो ये जो तीनों नेता है ना, इनका एक एजेंट है पूना में, उसको एक बार हम मिले थे, वो कहता है कि मेरे पास 72,000 करोड़ की संपत्ति है। तीनों का बाप है वो। और थोड़े दिन पहले सीबीआई ने बताया, सीबीआई आप जानते हैं इस देश की जांच करने वाली संस्था, और एक दूसरी संस्था है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रॉ, और एक संस्था है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, ये तीनों बोलते हैं कि उस एजेंट का स्विट्जरलैंड की बैंक में खाता है, उसमें 72,000 करोड़ जमा है। जब हम उसको मिले थे तो पूछा, भाई तुम्हारा 72,000 करोड़ कैसे हो गया? तो उसने कहा कि बहुत सारे नेता अपना पैसा मेरे पास रखते हैं, मैं उसको स्विस बैंक में रख देता हूं, ऐसे हो गया। तो हमने कहा नाम बता दो, उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? तो वो कहता मेरा नार्को टेस्ट करा दो, फिर मैं सब बता दूंगा, ऐसे बताऊंगा तो ये मार डालेंगे मुझको, मेरी तो जिंदगी चली जाएगी, तो आप ऐसा करो मेरे ऊपर मुकदमा करो, वो खुद कहता है मेरे ऊपर केस करो, मेरा नार्को टेस्ट करवा दो, उसमें सब बोल दूंगा मैं, तो मेरी जान भी बचेगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन बेईमान, वो खुद कहता है। ऐसी लूटखोरी हो। अब एक सोचो, एक आदमी ने 72,000 करोड़ जमा कर रखा है,
मजाक है, मध्य प्रदेश की सरकार के बजट से ज्यादा है एक आदमी के पास। और ऐसे भारत में कितने आदमी हैं आप पूछोगे, तो उनकी सूची बनते 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 80,000 80,000। एक का नाम मैंने बताया पूना में है, उसका नाम है हसन अली, जिसके पास 72,000 करोड़ है। वो नेता नहीं है, नेताओं का एजेंट है। तो नेताओं के एजेंट और नेता और अधिकारी सबका मिलाकर 80,000 लोगों की लंबी सूची है। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूट रखा है और क्या किया है, जमा कर रखा है स्विट्जरलैंड की बैंकों में। जैसे अपने देश में बैंक होती है ना, भारत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कनारा बैंक, ऐसे स्विट्जरलैंड नाम के एक देश में भी कुछ बैंक हैं। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंक हैं उस देश में। उनमें नेताओं के खाते खुले हुए, उनमें ये पैसे जमा है, अधिकारियों के खाते खुले हुए हैं उसमें पैसे जमा, और ये नेता और अधिकारियों के एजेंट जो बीच में लेन देन करते हैं उनके खाते खुले हुए हैं, उनका पैसा जमा। अब ये कितना पैसा है, तो स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक समूह है, एसोसिएशन, जैसे भारत में होता है वैसे वहां भी होता है, उसका नाम है स्विस बैंक एसोसिएशन। उन्होंने ये बताया पिछले साल कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके बैंकों में जो खाता है उसमें 1,500 अरब डॉलर जमा है। इसको अगर गणित से हम मदद करके निकालें, रुपए में $1 में 50 रुपए होते हैं और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 1,500 में 100 करोड़ का गुणा करो, फिर उसमें 50 का गुणा करो, तो ये 75,00,000 करोड़ रुपए है। इतना लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में है। और फिर थोड़े दिन पहले एक और बात पता चली कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो धन जमा है 75,00,000 करोड़, इसके अलावा कुछ और देशों में भी है। हमारे जो रॉ के अधिकारी हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनका और भी जगह है, एक जगह है पनामा नाम का एक छोटा सा देश है, वहां भी पैसा है भारतवासियों का। एक छोटा सा देश है उसका नाम है गिनी बिसाऊ, वहां पे भी है। एक देश है उसका नाम है लीचेस्टन, वहां पे भी है। तो दूसरे अन्य बैंकों में 35,00,000 करोड़ और रखा हुआ है, माने कुल मिलाकर 110,00,000 करोड़ रुपए जमा है। और पिछले 62 साल में इतना ही धन पंचवार्षिक योजनाओं के लिए आवंटित हुआ है, इतना ही पूरा इन्होंने लूट के जमा कर रखा है। फिर आप बोलेंगे कि अगर सारा का सारा धन लूट के इन्होंने जमा कर रखा है, तो पिछले 62 साल में थोड़ा बहुत जो विकास का काम हुआ है, कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ पुल बने हैं, कुछ फ्लाईओवर बने हैं, कुछ तो हुआ है ना, कुछ कॉलेज बने हैं, कुछ कारखाने लगे हैं, ये कहां से हुआ है फिर? तो इस पर जब हमने अध्ययन किया तो पता चला ये सब कर्जे से किया है। हमारा आपका पैसा जो टैक्स का था वो तो सब लूट के जमा कर दिया स्विस बैंक में, और 62 साल में जो थोड़ा बहुत विकास का काम हुआ है उसके लिए कर्ज ले रखा है। केंद्र सरकार ने कर्ज लिया हुआ है 18,00,000 करोड़ का, और जो राज्य सरकारें हैं जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे सब, इन्होंने 31 राज्य सरकारों ने ले रखा है और 16,00,000 करोड़ का, तो लगभग 32,00,000 करोड़ इतना कर्ज ले रखा है। उस कर्जे से ये काम हुआ है जो दिखाई देता है आपको। एक सड़क बनी है ना जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये पूरा कर्ज से बना है।
आप कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं दिल्ली में मेट्रो रेल चलती है, वो पूरी कर्ज से बनी, जापान से कर्ज लिया। ये सड़कें बनाने के लिए अमेरिका यूरोप के देशों से कर्ज लिया। फिर ये जो फ्लाईओवर बने हुए हैं, ये कुछ बड़े बड़े होटल बन गए हैं, सरकार के कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये सब कर्जे का है, कर्ज ले रखा है 32 लाख करोड़ का। और अभी मुझे एक और बात पता चली कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 32 लाख करोड़ का ले रखा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने 2 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है पूरे देश में। अभी तो मैं थोड़े दिन पहले कर्नाटक गया था, कर्नाटक में एक जिला है उसका नाम है उडुपी, उडुपी जिले में एक गांव है उसका नाम है पुत्तूर, उस गांव की ग्राम पंचायत ने विदेशी कर्ज ले रखा है। पुत्तूर ग्राम की ग्राम पंचायत के सरपंच को मैंने पूछा, भैया तुमने ये विदेशी कर्ज क्यों ले लिया? तो उसने कहा कि जब प्रधानमंत्री ले सकता मैं क्यों नहीं ले सकता, वो देश का प्रधानमंत्री है, मैं गांव का प्रधानमंत्री, मैं भी ले सकता हूं। मैंने कहा तुम्हारी जुगाड़ कैसे लगी ये कर्ज लेने की, कैसे कनेक्शन बना तुम्हारा, तुम वर्ल्ड बैंक कैसे पहुंच गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार के अधिकारी कर्ज लेने जाते हैं इन्हीं से मेरी दोस्ती हो गई, इन्होंने मुझे बता दिया, मैंने एप्लीकेशन दे दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में, उन्होंने कर्ज दे दिया। मैं बोला ऐसी दे दिया? उसने कहा नहीं, पूरे गांव की संपत्ति गिरवी रख के मैंने कर्ज ले लिया। और ये जो पुत्तूर गांव है ना, ये बड़ा अच्छा गांव है। आप पूछेंगे क्या अच्छाई है, चंदन की लकड़ी के जंगल हैं उनके पास, चंदन की लकड़ी आप जानते हैं सबसे महंगी है, उस इलाके में सबसे घने जंगल है, और जंगल इतने ज्यादा हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां। पुत्तूर गांव में जब मैं गया तो वहां के सरपंच ने कहा 6 महीने बारिश होती है और घनघोर बारिश होती है, जब एक बार बरसना शुरू होता है पानी 3-3 दिन 4-4 दिन बरसता ही रहता, बंद ही नहीं होता, इतनी बारिश। कारण क्या? घने जंगल है, जहां जंगल ज्यादा होंगे बारिश अच्छी होगी, और वो सब जंगल चंदन की लकड़ी के हैं, वो सारे जंगल उसने गिरवी रख दिए हैं विदेशी कर्ज लेने के। गांव पंचायत की जमीन गिरवी रख दी है, सब संपत्ति गिरवी रखी है। मैंने सरपंच को कहा कि ये कर्ज वापस नहीं कर पाए तो उसने कहा मुझे क्या लेना देना, अगला सरपंच भुगतेगा, मैंने तो ले ली। मैं पूछा तुम लाए क्यों हो इस कर्ज को, करोगे क्या इसका? कहता जी गांव में पानी की व्यवस्था करनी है। मैंने कहा इसके लिए $70 करोड़ थोड़ी लगता है, ये तो छोटी रकम का काम है। उसने कहा उसकी पाइपलाइन बिछानी है, ये करना है, वो करना है, सब उसने हिसाब बता दिया। मैं पूछा तुम पाइपलाइन बिछा रहे हो? उसने कहा हाँ, मैंने ठेका दे दिया, ये कर दिया, पाइपलाइन बिछ रही है, पानी कहां से लाओगे? तो तालाब बनेगा। तालाब है क्या? अभी नहीं है, पाइपलाइन बिछ रही है, तालाब नहीं है अभी, वो कब बनेगा मालूम नहीं। पाइपलाइन बिछ जाएगी, पैसा खर्च हो जाएगा, तालाब है नहीं, पानी आएगा कैसे? तो कह रहा है कि दोबारा चुन के आया तो और कर्ज लाऊंगा, तो फिर तालाब बनाऊंगा, तो फिर पानी आएगा। ऐसे चलता है ये देश। आप सोचो इस देश को कि जितना हमने टैक्स में दिया वो सब खा पी के नेताओं ने जमा कर दिया, थोड़ा बहुत जो विकास काम है वो सब कर्जे से होता है। अब ये कर्ज ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, बिना ब्याज का कर्ज कौन देगा हमको? अब ब्याज देना पड़ता है तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए, तो नेताओं को फिर क्या लगता है कि ब्याज के पैसे भरने हैं तो लोगों को टैक्स और बढ़ाते जाओ, तो टैक्स बढ़ा बढ़ा के आपसे ब्याज का पैसा निकालते रहते हैं, और जितना ज्यादा ब्याज लगेगा टैक्स उतना ज्यादा लगाएंगे, टैक्स जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप कभी ये सोचते हैं कि 15 पैसे किलो का नमक आपको 15 रुपए का क्यों मिलता है? महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि टैक्स है। आपको ये बात तो मालूम है ना, नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता, फोकट का पानी होता है समुद्र का और फोकट का सूरज का प्रकाश है,
दोनों ही टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री हैं, कोई खर्चा नहीं है। सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है, उसको 15 रुपए किलो में इस देश की सरकार बिकवाती है। क्यों? टैक्स है उस पर। भगवान ने जिस पर टैक्स नहीं लगाया उस पर नेताओं ने लगा रखा है। भगवान ने मुफ्त में दिया समुद्र का पानी, भगवान ने मुफ्त में दी है सूरज की रोशनी, भगवान ने ये सब जो मुफ्त का दे रखा है सरकारों ने इस पर टैक्स लगा रखा है। दाल 12-15 रुपए किलो मिलनी चाहिए, 90 रुपए किलो है। सब्जी 10-12 रुपए किलो होनी चाहिए, 60 रुपए किलो तो टिंडा है, 40-45 रुपए किलो भिंडी है, 24 रुपए किलो आलू है, 20-22 रुपए किलो प्याज है। क्या खाएं क्या बनाएं? गरीबों के घर में तो आजकल ये आलम है, ये दर्शन है कि वो दाल का तो नाम सुनते हैं बस, 90 रुपए किलो, खाएं कैसे? पैसे ही नहीं, एक दिन में 20 रुपए की आमदनी है। अब 20 रुपए की आमदनी में 1 किलो आटा भी नहीं आता, 26 रुपए किलो आटा है, कहां से गरीब खाएं? तो 84 करोड़ गरीबों की जिंदगी तो नरक हो गई है इस देश में, और नरक तो आपकी भी है, बस आप बोलते नहीं है। कसमसाहट तो सबके घरों में है। मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा 5,000 में चलता था, अब 15,000 भी पूरे नहीं पड़ते। 5,000 में घर का खर्च चलता। मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे, वो सरकारी नौकरी में थे तो वो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो 250 रुपए की तनख्वाह मिली थी, और मेरे पिताजी कहते हैं कि 250 की तनख्वाह में, महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी, महीने की तनख्वाह में घर का सारा खर्च निकाल के, हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के पिताजी कहते थे उन्होंने 2 तोला सोना खरीदा था, और वो कहते हैं हर महीने खरीदता था 2 तोले सोना, इतने पैसे बचते थे। अब वो ये कहते हैं कि महीने की आमदनी 20,000 हो जाए तो 2 तोला सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि 15,000 खर्चे में चले जाते हैं, 5,000 बचता है। माने महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश में, और महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है, टैक्स और टैक्स और टैक्स। जब आजादी मिली थी तो इस देश में 22-23 तरह के टैक्स थे अंग्रेजों के लगाए हुए, अब आजादी के बाद 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में। अब आपके ऊपर जितना ज्यादा टैक्स लगेगा हर चीज महंगी होगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, ये बाजार से खरीदो 10 रुपए का आता है, ये फैक्ट्री में 1.5 रुपए का बनता है, क्योंकि जो बनाने वाला आदमी है उसको मैं जानता हूं, वो कहता है 1.5 रुपए में बनता है, और वो कहता है 50 पैसे में इस पे मुनाफा लेता हूं तो 2 रुपए में। अब 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में मिलता है क्योंकि इस पर टैक्स है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये टाटा कंपनी की घड़ी है, इसका नाम है टाइटन। इनकी फैक्ट्री में एक बार मैं भाषण देने गया था बेंगलोर में, तो मैंने एक मैनेजर को पूछा कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है इसकी कीमत बताओ। कहने लगे कौन सी कीमत बताऊं? मैंने कहा फैक्ट्री में जो बनती है वो कीमत बताओ, बाजार की तो मुझे भी मालूम। तो उसने कहा हमारी फैक्ट्री में ये आपके हाथ वाली घड़ी 70 रुपए में बनती है, और बाजार में ये 570 की, 600 की, 700 की, 800 की, कितने की भी मिलती है, इतना टैक्स। एक बार मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री में भाषण देने गया, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री में, मैंने उनसे पूछा सीमेंट कितने का बनता है, तो उन्होंने कहा कौन सी कीमत? मैंने कहा ये फैक्ट्री वाली, तो उन्होंने कहा फैक्ट्री में 50 किलो सीमेंट का पैकेट 76 रुपए में बनता है, हमको वो 240 रुपए में मिलता है क्योंकि उस पर टैक्स है। केंद्र सरकार का टैक्स अलग है, राज्य सरकार का टैक्स अलग है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स अलग है। एक दिन मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भाषण देने गया, लोहा बनाती है वो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं उनको पूछा भाई 1 किलो लोहा कितने में बनता है? उसने कहा 12 रुपए में बनता है, 50 रुपए में आपको मिलता है क्योंकि टैक्स है उस पर।
एक बार ये डीजल पेट्रोल बनाने वाले कारखानों में मैं गया, ONGC भारत पेट्रोलियम, उनको मैं पूछा 1 लीटर पेट्रोल कितने का है। उन्होंने कहा जी 12 साढ़े 12 रुपए का बनता है, आपको 50 रुपए का हम बेचते हैं क्योंकि हम टैक्स लेते हैं आपसे। डीजल 7.5-8 रुपए लीटर में बनता है, 35 रुपए लीटर हमको देते हैं। और दो चार बातें बताता हूं। ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर जो बड़ा 5 लाख में आप खरीदते हो, वो सिर्फ 1,80,000 में बनता है। मारुति कार जो 3.5 लाख की आप लेते हो, वो 1.5 लाख रुपए में बनती है। मैंने ऐसी हजारों वस्तुओं का कैलकुलेशन किया कि उनके बनाने की लागत कितनी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और भारत सरकार कहती है एक्स फैक्ट्री प्राइस, माने फैक्ट्री में बनाने में कुल खर्चा कितना लगता है। वो मामूली से खर्चा है, सरकार उस पर टैक्स लगा लगा के इतना महंगा कर देती है, फिर हमको वो खरीदनी है चीज तो ज्यादा पैसे लगते हैं। ज्यादा पैसे लगते हैं तो ज्यादा कमाई करने का दिल करता है, और ज्यादा कमाई के चक्कर में फिर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भ्रष्टाचार में से ये सारी दुर्व्यवस्था निकलती है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। कोई आदमी ईमानदार रहे कैसे, ये बताओ मुझे। जब आप 10-12 रुपए की चीज उसको 100 रुपए में दोगे, उसको 90 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे उस चीज के लिए, वो तो कहीं ना कहीं से लूटेगा। तो ये लूटखोरी की व्यवस्था टैक्स में से निकलती है, और ये हमारे लिए फिर ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि हम गरीब होते जाएं, महंगाई बढ़ती जाए, बेरोजगारी बढ़ती जाए इस देश में। ये समस्याएं हमारे देश। तो आप पूछोगे जी इनका कुछ समाधान है? हाँ है। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान इसका भी है। हमने बहुत सोचा, चिंतन किया, मनन किया, अभ्यास किया, शोध किया, तो हमको भी समझ में आ गया इसका समाधान है। समाधान क्या है? ये जो व्यवस्था चल रही है इसको बदल दो, बस सीधी सी बात है। कैसे बदलें, कहां से बदलें? तो पहला कदम हमने उसके लिए तय किया भारत स्वाभिमान अभियान की तरफ से, कि इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। तो पहला काम हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि नेताओं ने, अधिकारियों ने जो 62 साल में लूट लूट के 110 लाख करोड़ जमा किया है, इसको पहले वापस लाएंगे भारत में। ये स्विस बैंकों में है, विदेशी बैंकों, इसको वापस लाएंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है। अब आप बोलेंगे आएगा कैसे? ऐसा कोई रास्ता है? रास्ते हमको मिल गए हैं चार, एक नहीं चार रास्ते मिल गए। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता। भगवान ने हमको चार रास्ते बता दिए, अकल आ गई हमको, रास्ते दिख गए। पहला रास्ता ये है कि ये जो सारा धन जमा है ना विदेशी बैंकों में, ये जमा है निजी संपत्ति के रूप में, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। किन की? नेताओं और अधिकारियों की। अगर इस पैसे को निजी संपत्ति से राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए तो ये वहां रह ही नहीं सकता पैसा, क्योंकि स्विस बैंकों में और दुनिया के दूसरे बैंकों में कानून है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय संपत्ति विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते, ये कानून है। राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंक में ही रख सकते हैं। हमारे भारत की संपत्ति है तो हम रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो स्टेट बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो पंजाब नेशनल में रख सकते हैं, विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते। लेकिन निजी संपत्ति है वो कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो ये पैसा नेताओं ने निजी संपत्ति घोषित करके रखा हुआ है। हम इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे होगा? एक कानून बनाने से ये हो जाएगा। संसद में एक कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत से लूटा गया, विदेशी बैंकों में जमा किया गया,
वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका प्रस्ताव संसद में पेश करना है। जब प्रस्ताव पेश होगा तो बहस होगी, बहस पर हम देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है उसी का खाता है विदेशी बैंक, वरना कोई विरोध क्यों करेगा। मेरा तो पैसा है नहीं, मैं क्यों विरोध करूंगा, मैं तो कहूंगा कानून बने, जिनका है वो विरोध करेंगे। तो हमने तो ये एक रास्ता निकाला कि जिस दिन ये बहस होगी, ये थोड़े दिन में होने वाला है, आप उस दिन टीवी जरूर चालू करना अपना, बाकी दिन आप देखो मत देखो संसद की कार्यवाही उस दिन जरूर देखना। हम आपको SMS करेंगे, सारे पतंजलि योगपीठ शिक्षकों को SMS होगा। बहस होती है ना, एक लोकसभा टीवी चालू हुआ है, आपको मालूम है लोकसभा टीवी, उस पर पूरी बहस आती है, वो जरूर देखना। और हम कोशिश करेंगे कि नेशनल चैनल पे भी आए, DD1 पे आए, अपने आस्था चैनल पे तो पूरी बहस दिखाएंगे। तो बहस देखोगे आप तो देखो कौन विरोध कर रहा है और कौन उसका समर्थन कर रहा है, तो पहचान लेना आपके विरोध कौन कौन कर रहा है। फिर हम आगे का कदम उठाने वाले हैं कि जो जो इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में हम जाएंगे, स्वामी जी भी जाएंगे, स्वामी जी ने बोला मैं जाऊंगा, और उनकी पोल खोलेंगे। पोल क्या खोलेंगे, 20 साल पहले इनके पास क्या था, अब इनके पास कितनी संपत्ति है, और उनसे पूछेंगे ये आई कहां से, तो कहेंगे भगवान ने दी है, तो भगवान को समर्पित कर दो। भाई यही तो कहेंगे ना, भगवान ने दी है तो भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान जिसको देंगे उसको देंगे, भगवान देश के लिए कहेंगे तो देश का खर्चा करेंगे उसमें से। तो ऐसे करके ये एक रास्ता है संसद से कानून बनाने का। दूसरा, आप ये बोलोगे ये मानेंगे ही नहीं, मान लो संसद में सब विरोध करेंगे, एक भी समर्थन नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सबके सब विरोध करें, एक भी हमारी बात का समर्थन ना करे, तब क्या करेंगे हम। तब हमने दूसरा संकल्प लिया है कि फिर एक नई संसद हम बनाएंगे। अभी संसद के जितने सांसद एक साथ अगर हमारा विरोध करेंगे तो अगले चुनाव में हम 350 सांसदों को नया चुनकर लेके जाएंगे संसद। और जो नए सांसद चुन के आएंगे वो समाज के ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान, जिनके जीवन में अंदर बाहर सब एक जैसा है। और अभी भारत में ईमानदार लोग मर नहीं गए, सब अभी भी हैं, उन्हीं के कारण तो दुनिया चल रही है, नहीं तो वो सब घटा टोप हो जाता। अभी भी ईमानदार हैं, तो जो ईमानदार लोग हैं, नैतिकता वाले हैं, चरित्रवान हैं, कर्मठ हैं, जिनकी जिंदगी में पारदर्शिता बहुत है, ऐसे लोगों को चुनकर 350-400 जितना भी है अधिक से अधिक लेके आएंगे और फिर ये प्रस्ताव पारित कराएंगे, फिर देखें कौन रोकता है। तो हमारी तैयारी ये है, और हमने तो यहां तक तैयारी की है कि संसद में ही नहीं, विधानसभाओं में 31 राज्यों की सब नए विधायकों को चुन के लाएं और इन भ्रष्टाचारी बेईमानों को सबको हराएं। जनता हमारा साथ देगी, इसका हमें भरोसा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेता है वो एक सन्यासी है, इसलिए जनता साथ देगी। सन्यासी की इस देश में सबसे बड़ी इज्जत है, आपको तो मालूम है, इस देश में सन्यासी आ जाए तो राजा सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता है, इतनी इज्जत है इस देश में। और कोई ऐसे ही सन्यासी नहीं हो जाता, बहुत तपस्या लगती है, बहुत तप लगता है। तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का जो तप है, जो उनकी तपस्या है, ये तपस्या हमारा सहयोग करेगी, तो वो तैयारी है हमारी।
और 31 राज्यों की विधानसभाओं को भी बदल देंगे, जरूरत पड़ेगी तो नगर पालिकाओं को भी बदल देंगे, नगर पंचायतों को बदल देंगे, और जरूरत पड़ी तो ग्राम सरपंचों को बदल देंगे, नीचे से ऊपर तक सब नए लोग। यह दूसरा रास्ता है। तीसरा एक रास्ता और है अपने पास, वो रास्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुकदमा किया जा सकता है। एक मुकदमा तो अभी हो गया, आपने पढ़ा होगा अखबार में, स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के लिए एक मुकदमा हो गया, उसमें वकील हैं राम जेठमलानी, आप जानते हैं राम जेठमलानी। उस मुकदमे में सरकार को नोटिस चला गया, सरकार इस समय घबराई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि एक दिन प्रधानमंत्री ने स्वामी जी को फोन किया कि या तो आप दिल्ली आइए नहीं तो मैं आता हूं आपके पास। प्रधानमंत्री का फोन आया, मेरे सामने आया, मैं सुन रहा था, घबराहट मची हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया और मुकदमा स्वीकार हो गया, इसमें सरकार परेशान। सरकार को क्या लगता था कि मुकदमा स्वीकार्य नहीं होगा, हो गया, क्योंकि इतने जबरदस्त तथ्य उस मुकदमे में प्रस्तुत किए हैं कि कोर्ट मना ही नहीं कर सकता, तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया। नोटिस में क्या लिखा है, जल्दी से जल्दी स्विस बैंक के खातों का पता लगाओ और हमको बताओ। अब सरकार परेशान है, खाते का पता लगाएं, सुप्रीम कोर्ट को बताएं तो नाम खुलेंगे सबके। सरकार की परेशानी क्या है कि सरकार चलाने वाले लोग हैं उन्हीं के खाते हैं। तो उन्होंने पता है स्वामी जी को क्या कहा, आप थोड़ा समय दे दो हमको, दो चार महीने, छह महीने। तो स्वामी जी ने कह दिया अनंत काल का समय तो नहीं दे सकते आपको, दो महीने चार महीने अगर आपको लगता है तो आप ले लो, लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा खाते किसके हैं, पैसा किसका। तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया। अब इस मुकदमे में सुनवाई जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मामला आगे बढ़ेगा, आपको भी खबरें आती रहेंगी, टीवी पे देखते रहो, अखबार पढ़ते रहो, ध्यान रखो इन खबरों पे। इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार ने नहीं दिया तो हम देंगे। हम क्या देने वाले हैं, हमने एक जानकारी निकाल रखी है कि कितने भारतवासी हैं जो हर महीने स्विट्जरलैंड जाते हैं, हर महीने जाते हैं, कोई कोई तो हर हफ्ते जाते हैं, महीने में चार बार, और उनके वीजा दिल्ली से और मुंबई से जारी होते हैं। आप जानते हैं हर एक देश की एक एम्बेसी होती है, तो स्विस गवर्नमेंट की एम्बेसी है वो वीजा देती है, हमने वो जानकारी निकाल रखी है कि वीजा कितने ये दे रहे हैं, एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, साल भर में। पिछले साल 92,000 वीजा दिए उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने के लिए, पिछले साल। वो 92,000 वीजा का हमने डिटेल पता किया तो पता चला कि 12,000 वीजा थे जो हनीमून मनाने गए थे उनके हैं, तो उनको छोड़ दो भाई, हनीमून मनाने गए थे, शादी हुई, चले गए। कई लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड सुंदर है ये सोच के जाते हैं। उन 12,000 में से कई लोगों से हमने पूछा कि आप बार बार जाते हैं, उन्होंने कहा हम तो एक बार गए थे भाई, दोबारा गए नहीं क्योंकि मजा नहीं आया। मैं पूछा क्यों, उन्होंने कहा उससे सुंदर तो जम्मू कश्मीर है। तो मैंने कहा पहले समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा जब गए तब समझ में आया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, लेकिन गए तो पता चला उससे ज्यादा सुंदर तो अपना देश है, तो हम तो दोबारा गए नहीं, तो पक्का है कि उनका कुछ खाता वाता नहीं है। लेकिन जो हर हफ्ते जा रहे हैं, महीने में चार चार बार जा रहे हैं, पांच पांच बार जा रहे हैं, पक्का है वो तो हनीमून वाले लोग नहीं। तो उनके बारे में जानकारी निकाल रखी है और सुप्रीम कोर्ट को हम ये जानकारी देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहेगा कि चलो इनकी जांच करो, तो झक मार के अब करना ही पड़ेगा, सरकार फंस गई है अब इस मामले। और इस सरकार ने वायदा भी किया है, आपको मालूम है ये सरकार जो चल रही है इसके एक नेता है, उनका नाम है राहुल गांधी,
उन्होंने ऐलान किया था चुनाव के पहले, वो रिकॉर्ड करके हमने रखा है। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्विस बैंक का पैसा लाएंगे, और अडवाणी ने भी कहा था, याद है लाल कृष्ण अडवाणी ने, कि हमारी बनी तो हम भी लाएंगे। फिर एक ऐलान किया था शरद यादव ने कि हमारी सरकार बनी तो हम लाएंगे। फिर एक ऐलान किया सीताराम येचुरी और प्रकाश करात ने कि हमारी बनी तो हम लाएंगे। तो ये सब ऐलान कर चुके हैं, तो हम तो उनको याद दिलाने वाले हैं कि आपने बोला था पैसे लाएंगे, सरकार बन गई है, अब लाओ। और इस मामले में बातचीत चल रही है। स्वामी जी 2-3 बार मिल लिए सारे बड़े नेताओं से। अब वो यही कह रहे हैं कि स्वामी जी बस समय दे दो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। तो ठीक है भाई, समय ले लो, और नहीं किया तो फिर हम करेंगे जो हमें करना है। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर दूसरी पिटीशन भी आ जाएगी, और वो यही होगी कि ये 80,000 नाम, उनमें हसन अली ने तो स्वीकार किया है कि मेरा 72,000 करोड़ है, वो खुद बोल रहा है कि मेरा 72,000 करोड़। अब हसन अली जैसे अगर 100 आदमी भी हो गए तो 72 लाख करोड़ तो ऐसे ही हो गया। तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट की मदद से भी आएगा। कैसे आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था, मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं, जब नरसिम्हा राव इस देश में प्रधानमंत्री थे तो एक घोटाला हुआ था, उसका नाम है यूरिया घोटाला। उसमें 133 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। जांच हुई तो पता चला वो पैसे नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खाता जब्त करा दिया। वो खाता स्विट्जरलैंड की बैंक में था, खाता जब्त हुआ, 133 करोड़ रुपए उसमें से निकल के सुप्रीम कोर्ट में आके जमा हो गए, और जिसके खाते में पैसा जमा था वो जेल चला गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट को इतनी बात याद दिलाएंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, आएगा कि नहीं? घोटाले घोटाले सब एक। तो ये 110 लाख करोड़ रुपए आना तो पक्का है, बस इसमें समय का फेर है, तुरंत आ जाए या थोड़ा एक आध साल में आ जाए। हमने योजना ये बना रखी है कि ये पैसे को लाने के लिए एक और रास्ता है, वो भी अपनाएंगे अगर हमको जरूरत पड़ी तो। वो रास्ता है कि स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करें, और इसमें मजा पता है क्या आएगा कि हमारे जैसे 50 देश मुकदमा करेंगे एक साथ, क्योंकि उन देशों के भी खाते हैं उनके, और इनके ऊपर मुकदमा, पता है हम क्या करने की तैयारी कर रहे हैं? ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं उसका वो ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये पैसा वो ब्याज पे दूसरों को उठा देते हैं और उसमें से ब्याज वसूलते हैं और अपने देश में मजा करते हैं। हमारे पैसे पे वो ब्याज वसूलते हैं और मजा करते हैं, हमको ब्याज नहीं देते। ये बेईमानी पर मुकदमा होगा और हम जीतेंगे इसमें, और वो मुकदमा जीत के ये पैसा आ जाएगा। अभी अमेरिका ने किया ऐसा, मालूम है बराक ओबामा जो अमेरिका में राष्ट्रपति बना, पहली बार एक काला आदमी गोरे अमेरिका में राष्ट्रपति बना। अमेरिका में गोरे लोगों का वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी जीत गया। क्यों जीता? उसने लोगों से एक वायदा किया, उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनता हूं, पहला काम ये करूंगा स्विस बैंक का पैसा लाऊंगा। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है आपको मालूम, वहां भी भ्रष्ट नेता है, वो भी पैसा ले जाके स्विस बैंक में रखते हैं। तो उसने कहा था मैं लेके आऊंगा, तो लोगों ने वोट दिया उसको, इतना वोट दिया कि किसी को नहीं मिला, 250 साल में इतना वोट उसको मिल गया अकेले, और उसने वायदा निभाया। जीतने के 15 दिन के बाद उसने ये कानून बना दिया, और कानून बनने के 21 दिन में पैसा आ गया। अमेरिका के 4,490 लोगों के खाते पकड़े गए स्विस बैंक में, और 470 अरब डॉलर मिल गया, अमेरिका ने उस पैसे को निकाल लिया। अब अमेरिका ने ये कर लिया तो भारत भी कर सकता है।
और बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस काम, आप अगर बोलो तो मैं मदद कर सकता हूं। कैसे मैंने पैसा निकाला है मुझे मालूम है, आप भी निकाल लो। तो वो मदद करने को तैयार है, क्योंकि बराक ओबामा जो है ना, भारत के एक नेता को सबसे ज्यादा मानता है, वो है महात्मा गांधी। बराक ओबामा के ऑफिस में और उसके घर में जिस नेता की फोटो है वो महात्मा गांधी की ही है, और उसके एक पूर्वज की है मार्टिन लूथर किंग, दो ही फोटो रखता है वो अपने घर में। गांधी जी का भगत है वो, कहता है गांधी जी सच्चे आदमी थे, वो ही दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। और वो कहता है भारत गांधी जी का देश है, इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। दूसरा हनुमान जी का भगत है। हाँ, आपको मालूम है जब वो चुनाव लड़ रहा था तो बजरंग बली की एक विशाल मूर्ति उसने यहां से मंगवाई, अपने ऑफिस में स्थापित की, उनकी पूजा करता है। है वैसे ईसाई, आधा ईसाई आधा मुसलमान है, आधा आधा है, लेकिन हनुमान जी का भगत है। और हनुमान जी भारत के, तो वो कहता मैं मदद करना चाहता हूं भारत की, तो अच्छा है, ऐसे और भी लोग खड़े हो जाएंगे, हमको तो ये आना है पैसा, आज नहीं तो कल। अब करेंगे क्या हम इस पैसे का, वो महत्व का है। तो उसके लिए हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक योजना बनाई है, वो पूरी योजना तो नहीं बता सकता, समय बहुत लगेगा, उसके दो तीन बिंदु बताता हूं। सबसे पहला काम इस पैसे के आने के बाद हम जो करना चाहते हैं वो ये कि भारत के गांव गांव में उद्योग लगाने, गांव में, शहरों में तो बहुत उद्योग लग गए, गांव में लगेंगे। आप बोलेंगे जी गांव में कौन से उद्योग लग सकते हैं, 100 उद्योग हैं जो गांव में हर जगह लग सकते हैं, 100। उनमें सबसे पहला उद्योग जो गांव गांव में हम लगवाना चाहते हैं वो है, भारत के 2,00,000 गांव में कपास पैदा होती है, तो कपास से सूत बन सकता है, सूत से चरखा चला के, लूम चला के खादी का कपड़ा बन सकता है। तो 2,00,000 गांवों में चरखा चलाने का, खादी बनाने का उद्योग हो सकता है। जहां कपास है वहां सूत है, जहां सूत है वहां खादी है, तो खादी बनेगी 2,00,000 गांवों में और बिकेगी पूरे देश में। कौन खरीदेगा, आप खरीदो मैं खरीदू। हमने तो भारत स्वाभिमान की तरफ से तय कर लिया है कि हर एक योग शिक्षक अब खादी ही पहनेगा, क्योंकि आपको मालूम है परम पूजनीय स्वामी जी ने खादी पहनना शुरू कर दिया, वो तो भगवा ही पहनते हैं ना, वो भी अब खादी का आ गया। वो कहते हैं मैं पहनूंगा तो मेरे सारे चेले पहनेंगे देश में, तो सारे योग शिक्षक खादी पहनेंगे। 11,00,000 योग शिक्षक, 11,00,000 परिवार अगर खादी खरीदने लगे, करोड़ों मीटर खादी बिकेगी। और फिर ये 11,00,000 अगर 10-10 को भी कहेंगे भाई तुम भी खादी ले लो, तुम भी खादी ले लो, और खादी बिकेगी, तो बनेगी गांव में बिकेगी शहरों में। आप भी इसको ध्यान रखना कि खादी खरीद के 2,00,000 गांवों को हम रोजगार दे सकते हैं, और हमने हिसाब निकाला 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा खादी के कपड़े में। और ये अकेली ऐसी चीज है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बिना बिजली के ये सब काम होगा, चरखा चलाना हाथ से, सूत को बुनना हाथ से, सूत को रंगना हाथ से, कपड़े का, ये सब हाथ का काम है, इसमें बिजली की कहीं जरूरत ही नहीं। तो बिजली आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम चल पड़े। ऐसे दूसरा उद्योग हमने तय किया है कि भारत में लगभग 1,00,000 से ज्यादा गांव है जहां सरसों पैदा होती, तिल पैदा होता है, नारियल पैदा होता है, तो सरसों जहां होती है वहां सरसों का तेल निकल सकता है, तिल जहां होता है वहां तिल का तेल निकल सकता है, और जहां नारियल है वहां नारियल का। अभी तेल निकलता है शहर के बड़े बड़े कारखानों में, हम तेल निकलवाएंगे छोटे छोटे गांव में। और ये तेल निकालने के लिए भी बिजली नहीं चाहिए, वो कोलू चलता था ना पहले बैल वाला, उसी से निकलवाएंगे। उसकी दो फायदे हैं, तेल की क्वालिटी अच्छी रहती है, ये बिजली वाली मशीन जो घूमती है ना ये तेल को जला देती है क्योंकि तापमान बहुत है, तो तेल का प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है,
और धीरे धीरे कोल्हू का जो तेल निकलता है उसमें सारी प्रोटीन सुरक्षित रहती है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये कोल्हू का तेल जो भी खाएगा उसको हृदयघात कभी नहीं आ सकता। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये जो कोल्हू का तेल है इसको खाने से शरीर में HDL बढ़ता है और HDL वो केमिकल है जो शरीर को सुरक्षित रखता है। हृदय घात लाने वाला जो केमिकल है वो LDL और VLDL है, वो मशीन के तेल से बढ़ता है, तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। अब मुझे समझ में आया कि हजारों साल हमारे दादा दादी वो कोल्हू का ही तेल खाते थे, किसी को हृदय घात नहीं होता था। जब से ये मशीनों का तेल आया, हम उसको रिफाइंड तेल कहते हैं, डबल रिफाइंड, तब से हार्ट अटैक भी ज्यादा आया, तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और तेल तो हम ले लेंगे, खली बचेगी वो जानवरों के काम आएगी। खली खिलाओ जानवरों को, दूध खूब बढ़ता, और दूध गाढ़ा होता है, दूध में घी ज्यादा निकलता है। जो जानवर तिल के तेल की खली खाते हैं, सरसों के तेल की खली खाते हैं, खूब गाढ़ा दूध देते हैं, वो घी उसमें खूब निकलता है, तो दो फायदे हो जाएंगे, तेल हमको मिलेगा, खली जानवरों को मिले। गांव गांव में ये करना। तीसरा एक उद्योग हम गांव में ये चाहते हैं, भारत के 90,000 गांव ऐसे हैं जहां आलू पैदा होता है, आलू, और हर साल इस देश में करोड़ों टन आलू सड़ जाता है। तो हम जो चाहते हैं वो ये कि जिन जिन गांवों में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाओ और वो बाजार में बेचो। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों का चिप्स 400 रुपए किलो बिकता है, हमारा 100 रुपए किलो तो बिक ही सकता है, कौन बेचेगा इसको? हम बिकवाएंगे। अपना जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है ना, अगले साल इसकी पूरे देश में 1,000 दुकानें होने वाली हैं। एक हजार आरोग्य केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं, उन आरोग्य केंद्रों पर गांव गांव में बना हुआ माल ही बिकेगा। तो चिप्स बनाएंगी गांव की माताएं बहनें, बिकवाएंगे हम उनका, पैसा उनको मिलेगा, तो आलू के चिप्स का उद्योग चलेगा। ऐसे ही 65,000 गांव हैं भारत में जहां टमाटर पैदा होता है, वहां टमाटर की चटनी बनाएंगे और चटनी शहर में बिकेगी। टमाटर बिकता 20 रुपए किलो, चटनी 200 रुपए किलो, आलू बिकता है 10-12 रुपए किलो, चिप्स 400 रुपए किलो। तो हम चाहते हैं कि गांव से कच्चा माल बिकने के लिए ना आए, पक्का माल गांव से बिकने के लिए शहर में आए। 1,00,000 गांव हैं जहां गेहूं पैदा होता है, अच्छा गेहूं होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है, जैसे शरबती गेहूं, जैसे कठिया गेहूं, खाओ तो शरीर में इतनी पौष्टिकता है कि हम सोच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शरबती गेहूं है, कुछ इलाकों में कठिया गेहूं है, उसकी जैसी ताकत कहीं नहीं है। और ये कठिया गेहूं की विशेषता है कि बिना पानी के होता है, पूरे बुंदेलखंड में भरा पड़ा है। तो जहां सबसे अच्छा गेहूं है वहां गेहूं का आटा बनवाएंगे, गेहूं नहीं बिकवाएंगे, आटा बिकवाएंगे। गेहूं तो 11 रुपए किलो बिकता, आटा 26 रुपए किलो बिकता, आटा बना बना के गेहूं का बेचेंगे। और अगर बिजली नहीं है तो हाथ वाली चक्की चलवाएंगे। हजारों साल तो हमने वही आटा खाया, और जिन्होंने वो आटा खाया है और जिन्होंने वो आटा बनाया है, किसी भी माँ और बहन को बच्चे के जन्म के समय सिजेरियन नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि वो चक्की चलाने से गर्भाशय का इतना एक्सरसाइज होता है कि बिना सिजेरियन बच्चे पैदा होते रहे इस देश में। वो चक्की इतनी बड़ी चीज है। और हम तो आज के लोगों को कहेंगे कि जिनका पेट बाहर निकला है वो सब चक्की चलाओ, आटा बनाओ, पेट भी अंदर करो अपना, दोनों फायदे हैं। और वो चक्की के आटे के फायदे बहुत हैं, इसमें आटा धीरे धीरे बनता है तो क्वालिटी अच्छी है।
और ये बिजली वाले में तेजी से बनता है तो जलता है। तो हर गांव में गेहूं का आटा, हर गांव में आलू का चिप्स, हर गांव में टमाटर की चटनी, हर गांव में ऐसे ऐसे काम हम 100 कराना चाहते हैं। सूती खादी के कपड़े का उद्योग, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में हो सकते हैं। उनमें हर एक उद्योग में अगर 10 आदमी को भी काम मिले तो हर गांव में 1000 परिवार को काम मिलेगा। 1000 से ज्यादा परिवार किसी गांव में नहीं होते, माने हर गांव में संपूर्ण रोजगार हो जाएगा। और हमने इसका हिसाब निकाला, ये 100 उद्योग 6,35,365 गांव में अगर हो गए तो 60 करोड़ लोगों को इसमें काम मिलेगा। तो नक्शा हम बदलना चाहते हैं इस देश का। अभी सारे उद्योग शहर में है, हम 100 उद्योग शहर से गांव में ले जाना चाहते हैं। शहर में सिर्फ ऐसे उद्योग होंगे जो गांव में नहीं चल सकते, जैसे टेलीविजन बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता, वो शहर में चलेगा। साइकिल बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता, वो शहर में चलेगा। इसी तरह से कार बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता, शहर में चलेगा। ट्रैक्टर बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता, शहर में चलेगा। तो बड़े उद्योग शहर में और छोटे उद्योग सब गांव, ऐसी व्यवस्था कर। इसमें कितना खर्चा होगा हमने सब हिसाब जोड़ा, इसमें कुल मिला के 15 से 20 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। और अपने पास 110 लाख करोड़ है स्विस बैंक का, आराम से ये काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि गांव गांव में बिजली हो, हर गांव में बिजली हो। अगर शहर में है तो गांव में भी हो, नहीं तो किसी को बिजली नहीं हो। शहर वाले भी अंधेरे में रहे, गांव वाले भी रहे, बिजली है तो सबको हो। ये नहीं कि शहर वालों को मिले गांव वालों को नहीं मिले। अब बिजली हो तो बिजली घर चाहिए, तो हमने उसके लिए योजना बनाई है कि छोटे छोटे बिजली घर बनाएंगे, एक एक मेगावाट के, दो दो मेगावाट के, और 10 गांव के बीच एक बिजली घर लगाएंगे। 10 गांव की बिजली की जरूरत एक बिजली घर पूरा करे, तो ऐसे 1 लाख बिजली घर लगेंगे। और 1 लाख बिजली घरों को लगाने में 5 लाख करोड़ खर्च होगा, तो कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, 110 लाख करोड़। और ये छोटे बिजली घर हम इसलिए लगाना चाहते हैं, अभी भारत में पता है क्या होता है, बड़े बिजली घर लगते हैं 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2000 मेगावाट, उसमें बिजली पैदा होती है वो 12,000 वोल्ट की होती है, 13,000 वोल्ट की होती है, 15,000 वोल्ट की होती है, बहुत ज्यादा हाई। अब उस बिजली को घर में जलाना हो तो 220 वोल्ट में बदलना पड़ता है, तो 15,000 वोल्ट से उसको घटाते घटाते 220 पे लाना पड़ता है, उसमें बिजली नष्ट करनी पड़ती है और वो फालतू में खर्च होती है। हमारे देश में कुल बिजली जितनी बनती है उसका 35% इसी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव में घरों में जो बिजली जलती है 220 वोल्ट की, वो उतने ही वोल्ट पर बने और जले, खर्च ना हो फालतू में। तो छोटे बिजली घर से ये संभव है। बड़े बिजली घर रखेंगे कारखानों के लिए या रेल चलाने के लिए, छोटे बिजली घर गांव के घरों के लिए। तो सारे गांव में बिजली हो 24 घंटे, 5 लाख करोड़ का खर्चा वो भी कर देंगे। फिर सड़क बनाएंगे, फिर स्कूल बनाएंगे, फिर हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर गांव में खेल कूद के मनोरंजन के लिए काम करेंगे, गौ पालन पशु पालन के लिए गांव में शेड बनाएंगे, एक भी गाय भूखी न रहे, एक भी पशु भूखा न रहे, फालतू घूमता न रहे, इसके लिए जमीन की व्यवस्था, सब सब पूरा काम करने का मैंने खर्चा निकाला 50 लाख करोड़ में, सब हो जाए। 50 लाख करोड़ खर्च करने के बाद हमको ये समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, अभी भी 60 लाख करोड़ बचेगा, तो उसको भारत माता के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, तो उसका 1 साल का ब्याज 6 लाख करोड़ आएगा। उस ब्याज से ही देश का हम खर्च चला लेंगे, किसी पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब टैक्स खत्म, कोई टैक्स हमें नहीं लेना, क्योंकि टैक्स लेने से क्या करना, पैसा ही तो चाहिए, पैसा तो आ गया, स्विस बैंक के पैसे को ब्याज में रख लें तो ही इतना आ जाएगा, टैक्स की जरूरत नहीं। सब टैक्स खत्म कर दें, एक्साइज ड्यूटी खत्म, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, कॉरपोरेशन टैक्स खत्म। सब टैक्स खत्म होते ही महंगाई कम,
कितनी कम होगी मैं बता रहा हूं, 90 रुपए किलो की दाल 15 रुपए किलो में, 32 रुपए किलो की चीनी 11 रुपए किलो में, 35 रुपए लीटर का डीजल 7 रुपए में, 50 रुपए लीटर का पेट्रोल 12 रुपए में, 345 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए में, रतलाम से दिल्ली जाने का खर्चा 40-45 रुपए, वापस आने का 40-45 रिजर्वेशन के साथ, अमरीका जाओ दिल्ली से और वापस आओ 7-10 हजार का खर्चा, महंगाई इतनी कम हो जाए। और महंगाई कम हो गई तो आपको भी मुझको भी सबको आनंद, तो स्वर्ग तो यहीं बनेगा और कहीं नहीं, यहीं बनेगा। ऐसा देश बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो पैसा लाना है और उसके लिए ये अभियान चलाना है। तो आप बोलेंगे हम क्या करें इसमें, आप मदद करो हमारी। आप बोलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं, आपकी सबसे बड़ी मदद ये लगती है कि अभी सरकार के सामने जब हम बात करते हैं ना, तो सरकार हमसे पहला सवाल पता है क्या करती है, आपके साथ कितने लोग हैं। तो अभी जब प्रधानमंत्री से बात हुई तो हमने कहा कि इस समय तो 11 लाख हैं, 2 साल में 5 करोड़ हो जाएंगे, अब बताओ। तो उनका तब तो हमको बात माननी ही पड़ेगी आपकी। प्रधानमंत्री ने कहा परम पूजनीय स्वामी जी से कि आपकी एक बात को भी ना कहने की ताकत अब नहीं है मुझ में, बस आप मुझे समय दे दो। जब स्वामी जी ने कहा ना ये काम हम करना चाहते हैं, तो उनका बिल्कुल हम करेंगे, हम ना नहीं कह सकते क्योंकि आपकी ताकत इतनी बड़ी है, तो हम ये ताकत और बड़ी करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सब पार्टियों के पास कुल मिला के 4 करोड़ सदस्य हैं, हम 5 करोड़ बनाना चाहते हैं ताकि हर पार्टी हमसे छोटी रहे। वो छोटे रहेंगे तो बात हमारी मानेंगे, लोग हमारे पास हैं तो बात हमारी चलेगी, क्योंकि ये प्रजातंत्र है ना, इसमें जिनके पास ज्यादा लोग होते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है, वो अच्छी हो या खराब इससे महत्व नहीं है, ज्यादा लोगों की सुनते हैं, तो ज्यादा लोग हमें इकट्ठे करने हैं। तो आप सब हमारे साथ आ जाओ तो संख्या बढ़ेगी हमारी, आप हमारे सदस्य बन जाओ। और सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है, वो भर दो, 51 रुपए फीस है, जो आप 51 रुपए दोगे वो हमारे ट्रस्ट में आएगा, ट्रस्ट की तरफ से खर्चा इसी काम के लिए किया जाएगा। कुछ विशेष सदस्य बनना चाहें तो 1100 रुपए है, बस अंतर इतना है कि जो 1100 रुपए देंगे उनको ट्रेनिंग के लिए हरिद्वार बुलाते हैं और स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देते हैं, जो 51 रुपए देंगे उनकी ट्रेनिंग यही होगी रतलाम में, कोई हरिद्वार से आएगा आपको सब सिखाएगा। तो आप हमारे साथ इसमें आ जाओ जल्दी से, तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी, जितनी जल्दी हमारी संख्या बढ़ेगी उतनी जल्दी ये काम हो जाए। हमारे देश में एक कहावत है संघे शक्ति कलयुगे, ये कलयुग है ना, कलयुग में संगठन की ताकत सबसे बड़ी होती, तो संगठन चाहिए हमको, उसके लिए आपसे मदद मांगने आया, आप इसमें शामिल हो जाओ जल्दी से जल्दी, और अपने मित्रों को परिचितों को उनको भी शामिल करो इसमें, जितनी जल्दी ये काम होगा उतना जल्दी देश को भला होगा। और इस ताकत से और भी कई काम हम कराना चाहते हैं, ये तो एक काम है स्विस बैंक का पैसा लाना, दूसरा एक काम हम करना चाहते हैं कि अपने भारत देश में 1000, 500 और 100 के नोट सबसे ज्यादा छपते हैं। आपको ये शायद मालूम है या नहीं कि जितने नोट बाजार में है ना उसमें 85% नोट बड़े नोट हैं, 1000 के, 500 के, 100 के, और 15% नोट हैं वो 50 के, 20 के, 10 के और 5 के और 1 के हैं। अब 84 करोड़ लोगों को तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को, तो उनको तो 1000 रुपए क्या जरूरत है, इसका माने ज्यादा लोगों को तो 20 और 50 का नोट चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इस देश में 20 और 50 के नोट ही चलें, सब 1000 का नोट बंद हो, 500 का बंद हो, 100 का बंद हो, ये कानून बदलना है अपने को।
तो इसके दो फायदे हैं, एक तो गरीब आदमी को जो चाहिए वो मिलेगा, दूसरा बड़े नोटों से इस देश में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। नोट अगर छोटे हो गए तो भ्रष्टाचार कम होगा। अभी किसी को 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफ केस में भर के दे आता है, और जब 50 रुपए से ऊपर का नोट ही नहीं होगा तब देखे 10 करोड़ की रिश्वत कैसे देगा। हाँ, ट्रक भर के नोटों के बंडल ले जाने पड़ेंगे, तो लेने वाला भी परेशान और देने वाला भी परेशान। लेने वाला रखेगा कहाँ एक ट्रक भर के बंडल। तो ये झक मार के भ्रष्टाचार कम होगा, और इससे भी बड़ा एक दूसरा काम होगा, वो ये कि अपने भारत में पाकिस्तान की तरफ से जाली नोट आजकल बहुत आ रहे हैं। आप अखबार पढ़ते, 15 से 20% जाली नोट आ गए अपने देश में, और पाकिस्तान ये जाली नोट जो भेजता है ना वो 1000 और 500 और 100 के ही है, 50 के नहीं भेजता। एक पाकिस्तानी एजेंट को अभी सरकार ने पकड़ा है, उससे पूछा कि तुम 50 के नोट क्यों नहीं लाते जाली, तो उसने कहा वो महंगा पड़ता है। उसने उसका हिसाब बताया कि 50 का नोट छापना, उसको पाकिस्तान से भारत लेके आना, इसमें एक 50 का नोट चलाने में 55 रुपए खर्च होते हैं, तो हमको घाटा है, और 20 का नोट चलाने में 25 खर्च होते हैं, 10 का चलाने में 15 खर्च होते हैं। वो कहता है 1000 का हम इसलिए लाते हैं कि ये सस्ता पड़ता है, 500 का भी सस्ता पड़ता है 100 का, तो आप 1000, 500, 100 के नोट ही खत्म कर दो तो जाली नोट की समस्या हल हो जाएगी, और लोगों की जरूरत के नोट ज्यादा हो जाएंगे। और फिर इससे एक फायदा और होगा कि जब नोट छोटे होंगे ना तो लोग ज्यादा से ज्यादा व्यवहार बैंकों के माध्यम से करेंगे, कैश का ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा, चेक से होगा या ड्राफ्ट से होगा। तो चेक और ड्राफ्ट का ट्रांजैक्शन अगर बढ़ता है तो ईमानदारी बढ़ेगी, बैंकों का व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा बैंक खोलने पड़ेंगे, लोगों को बचत करने की आदत पड़ेगी, खाते बैंकों में जाएंगे, ये सब एक अच्छा काम इस देश में होता जाए। एक और काम हम करना चाहते हैं, वो ये कि भारत की जो इस समय कानून व्यवस्था है, इसके कानून सब अंग्रेजों के जमाने के हैं। एक IPC है, इंडियन पीनल कोड, एक CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक CPC सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं। ये हटाना है हमको, क्योंकि इस कानून से न्याय नहीं मिलता किसी को। कानून ही ऐसे हैं, न्याय दे ही नहीं सकते वो। IPC, CRPC, CPC के बारे में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश से मेरी बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने उनको पूछा कि कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा 3.5 करोड़। मैंने कहा इनका फैसला कब आएगा, तो उन्होंने कहा 300 साल में। मैं पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कानून ऐसा है IPC, CRPC, CPC, जल्दी फैसला आ ही नहीं सकता। अब 300 साल में फैसला आए तो वादी भी मर जाएगा, प्रतिवादी भी मर जाएगा, फैसला किसको करोगे आप, 300 साल कौन जिंदा रहेगा। इसका माने कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें फैसला जल्दी से जल्दी, क्योंकि अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है, फेल हो गए तो क्या बात है इसमें। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूं, भारत के एक प्रधानमंत्री थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका बड़ा बेटा हर समय अंग्रेजी में फेल होता था। अब प्रधानमंत्री का बेटा अंग्रेजी में फेल हो सकता है, तो किसान का बेटा फेल हो जाए तो कौन सी बात। शास्त्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, वो तो कहा करते थे कि ये हिंदी में फेल हुआ तब इसकी मैं मरम्मत करूंगा, अंग्रेजी में फेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, हो गया। तो ये हमें सबको समझना है। और मोटी सी बात है कि जब इंग्लैंड का कोई आदमी अपने बच्चे को हिंदी में नहीं सिखा रहा पढ़ा रहा, तो आप क्यों सिखा पढ़ा रहे। सारे विषय हम हिंदी करना चाहते हैं ताकि आसान हो जाए, और शिक्षा में जैसे ही मातृभाषा आएगी बोझा कम हो जाए। तो ऐसे ऐसे कुछ कुल मिलाकर 64 काम हम करना चाहते हैं। मैंने 8-10 आपको बता दिए, समय की कमी है इसलिए ज्यादा नहीं बताता, आगे कभी आऊंगा तो फिर बताऊंगा। ये सब काम करने के लिए संगठन चाहिए, संगठन के लिए आपका सहयोग चाहिए।
और आपका सहयोग मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। आप अगर इस संगठन में शामिल होते हैं, संख्या बढ़ती है, ताकत हमारी खड़ी होती है, सरकार के सामने हम ये सब दबाव के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं, इसके लिए आपका सहयोग। तो आप आज से ही तय करिए, जल्दी से जल्दी इस संगठन के सदस्य हो जाइए, दूसरों को बनाने के लिए प्रयास करिए। और एक छोटी सी आखिरी बात, स्वामी जी कहते हैं कि इस संगठन का जो सदस्य बनेगा उसको तीन बातें माननी पड़ेंगी, नहीं मानेगा तो सदस्य नहीं रह सकता। पहली बात ये माननी पड़ेगी कि अपनी जिंदगी में जितने भी सामानों का हम इस्तेमाल करें वो स्वदेशी होने चाहिए, इस संगठन की शर्त है। ये हर संगठन की शर्त होती है ना कि आप हमारे यहां आओगे तो ये मानना पड़ेगा। तो हमारे संगठन में पहली बात ये माननी पड़ेगी कि विदेशी चीज नहीं खरीद सकते, तो अपने घर से आपको विदेशी चीज हटानी है और स्वदेशी ही लाना है। तो आप पूछेंगे हमें तो पता ही नहीं है विदेशी चीज क्या है, स्वदेशी चीज क्या है, उसके लिए हमने एक सूची बनाई है और एक पुस्तक है जीवन दर्शन, वो पुस्तक यहाँ मिलती है, ये इसकी आप देख लो, ये पुस्तक है, स्वामी जी का फोटो बना है। इसको खोलना तो पीछे के पन्ने पर 115 नंबर का पेज है, ये पेज है, इसमें पूरी लिस्ट है। एक तरफ लिखा है स्वदेशी सामान, एक तरफ लिखा है विदेशी सामान, विदेशी लाना नहीं है, सिर्फ स्वदेशी लाना, ये पुस्तक से मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं, देशी विदेशी सामान की, रसोई घर में चिपका के रख सकते हैं और हर बार बाजार जाएं तो इसको देख के सामान खरीदें, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, इस संगठन में जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्तिगत जिंदगी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है, सार्वजनिक जीवन में उसको भारतीय होना पड़ेगा। वो सार्वजनिक जीवन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता, सबके लिए ये दरवाजा खुला है इस संगठन का। कोई भी व्यक्ति आए, अगर हिंदू मुसलमान है तो घर में छोड़ के आए, हमारे यहां आएगा तो वो सिर्फ भारतीय है और भारतीय। तो व्यक्तिगत जीवन में आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी कुछ भी हो सकते हैं, आप देश के लिए जब काम करने आ रहे हैं तो आप सब एक हैं, भारतीय हैं, ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है कि जो भी व्यक्ति इस संगठन में आएगा वो व्यसन नहीं कर सकता, दारू नहीं पी सकता, मांस नहीं खा सकता, अंडा नहीं खा सकता, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस पूरे आंदोलन। तो व्यसन छोड़ेगा, मांस मछली अंडा दारू शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा मावा सब, तब वो इस संगठन का सदस्य बने। ये तीन शर्तें सबके लिए, तो इनका पालन हम सब कर रहे हैं अपने जीवन में और दूसरों को पालन करवाने के लिए प्रयास करें तो एक दिन हम जरूर सफल होने वाले हैं, क्योंकि ये काम आजादी के 62 साल में होना चाहिए था, नहीं हो पाया, अब आने वाले समय में हमें करना है। और ये काम कोई हम अकेले करने वाले हैं ऐसा नहीं है, हमारे लाखों लाखों क्रांतिकारियों का यही सपना था कि देश आजादी के बाद निरोगी हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो, संपत्तिवान हो, स्वदेशी हो, स्वावलंबी हो, यही सपना था गांधी जी का, यही सपना था सरदार भगत सिंह का, यही सपना था दूसरे क्रांतिकारियों का। तो हम तो अपने को ये मानते हैं कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और हम ये भी मानते हैं कि काम हम नहीं कर रहे हैं, काम तो कोई और करवा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, ये भगवान करवा रहा है, ईश्वर करवा रहा है, वही हमको अकल दे रहा है, वही बुद्धि दे रहा है, उसी के कहने पे हम सब कर रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। आप भी हमारे साथ अगर इस काम में जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में आपके बेटे बेटियां गर्व से कहेंगे कि जब भारत स्वाभिमान का अभियान चला था तो मेरे पिताजी माताजी भी उसमें थे। जैसे आज कई लोग गर्व से कहते हैं ना, मेरे माता पिता 1942 की लड़ाई में गांधी जी के साथ थे, ऐसे ही आने वाला समय आपको कहेगा कि हाँ, आप गर्व से कहें। और जो नहीं शामिल होंगे, काम तो ये होने वाला है, देखो मैं आपको बता दूं, आप शामिल हो जाओ तो जल्दी होगा, नहीं होगे तो थोड़ा देर में होगा, होना तो इसको है, तो आप शामिल हो जाएं तो वही अच्छा, नहीं होंगे
तो फिर आपके ही बच्चे आपको गाली देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब ये भारत स्वाभिमान का अभियान चल रहा था। तो अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, अपने बच्चों के सामने कभी अफसोस ना करना पड़े, इसके लिए भी आप इसमें शामिल हो जाइए। ऐसी विनम्र अपेक्षा के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं सबके से बहुत प्रभावित से था और मेरा राजनीतिक विद्यालय कि नई संस्था युवा से पूरे देश में पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते तो आप लोग एक साल में 1,00,000 जवानों को जिंदा बना सकते हैं। मैडम आप